नमस्ते, कैसे हैं? कितने अच्छे? बच्चों से बात करने में क्यों मजा आता है? बच्चों से बात करने में क्यों मजा आता है? क्योंकि बच्चे अभी दो चीजों से मुक्त हैं, पूर्वाग्रह और पूर्वाभ्यास। ये दो शब्द से आप परिचित हैं? पूर्वाग्रह, बहुत सारी चीजें हमने अपने मान रखे हुए हैं, उससे हटते ही नहीं हम, इसी को पूर्वाग्रह बोलते हैं। और पूर्वाभ्यास हमारा है, हम 30 साल 40 साल 20 साल 50 साल एक जिंदगी जिए हैं, उसका एक अभ्यास है। इन दोनों से हम हटते ही नहीं हैं, इसलिए आपसे बात करके मजा ही नहीं आता, क्योंकि आप वही रटी रटाई दो चार बातें बोलोगे। बच्चे क्या है, इससे मुक्त हैं, अभी पूर्वाग्रह पूर्वाभ्यास से मुक्त हैं, इसलिए उनसे बात करके मजा आता है, सभी को आता है। हाँ जी, शुरू करें, आ जाइए। तो अभी हमने बात किया कि ये दो चीजें हैं, जिंदा रहना और जीना। जीना में जिंदा रहना शामिल ही है। जिंदा होंगे तो जिएंगे, जिंदा ही नहीं रहेंगे तो जिएंगे क्या? इसका मतलब ये आप डर में मत आइए, ऐसा नहीं है जीने लगेंगे तो छूट जाएगा। जीने के लिए भी आहार निद्रा भय प्रजनन चाहिए ही चाहिए। केवल इतना ही होगा कि कोई मकसद हमको पकड़ में आ जाएगा। हाँ जी, सभी का ध्यान है कि केवल कान है यहां, चेक कर लीजिए, कान भी हो और ध्यान भी हो। तो जैसे ही हमको मकसद पता चल जाएगा, जैसे पेड़ पौधे पशु पक्षी पदार्थ इनका अस्तित्व में होने का कोई मकसद है और ये सभी प्रकृति की इकाइयां हैं, यानी ये नेचुरल हैं, पदार्थ पेड़ पौधे पशु पक्षी ये सब नेचुरल हैं, तो मानव नेचुरल है कि अननेचुरल है? हाँ जी, मानव भी नेचुरल है। तो अगर इनके होने का कोई नेचुरल पर्पज है, इनके होने का कोई नेचुरल पर्पज है और उसको ये डिसाइड नहीं करते, नेचर में डिसाइडेड है, तो मानव के भी होने का कोई एग्जिस्टेंशियल नेचुरल पर्पज होगा कि नहीं होगा? आपका ध्यान जा रहा है? सभी का ध्यान जा रहा है? अगर ये सारी चीजों का प्रकृति में है और प्रकृति में होने का कोई उद्देश्य है, कोई प्रयोजन है, तो मानव भी एक प्राकृतिक इकाई है, तो मानव के भी प्रकृति में होने का, अस्तित्व में होने का कोई प्रयोजन होगा कि नहीं होगा? इनके प्रयोजन को ये डिसाइड करते हैं या नेचुरली डिसाइडेड है? तो मानव का भी प्रयोजन नेचुरली डिसाइडेड होगा, एग्जिस्टेंशियली डिसाइडेड होगा कि नहीं होगा? तो फिर करना क्या है, करना क्या है? नियति क्या करना है? प्रयोजन है, करना क्या है हमको? तब भाई मेरे धरती पे होने का प्रयोजन है, बढ़िया से खाओ पियो सो, प्रयोजन है। क्या करना है? हाँ जी, जानना है प्रयोजन क्या है। हाँ, पहचानना है प्रयोजन को,
क्योंकि आज तक हमने भी इनके प्रयोजन को पहचाना ही है। मानव इनका उपयोग कर पा रहा है क्योंकि इनके प्रयोजन को पहचाना है। मानव इनके प्रयोजन को पहचाना है तो उपयोग कर पा रहा है, तो मानव भी खुद को प्रयोजन को पहचानेगा तो जी पाएगा, तो अपने लिए भी खुशी पूर्वक जी पाएगा, दूसरे के लिए भी खुशी पूर्वक उपलब्ध हो पाएगा। तो होने में कोई गड़बड़ी नहीं है, जैसे और चीजें हैं वैसे मानव भी है, पहचानने में गड़बड़ी है। हमने बाकी चीजों को पहचान लिया क्योंकि सुविधा के अर्थ में थे, जिंदा रहने के अर्थ में थे। पेड़ पौधे पदार्थ पशु पक्षी ये मेरे जिंदा रहने में ही मददगार होते हैं। जीने में जब भी मददगार होऊंगा तो मैं होऊंगा और दूसरा मानव ही होगा। जीने का मतलब तृप्ति पूर्वक जीना। जीने का मतलब तृप्ति पूर्वक जीना। तृप्ति पूर्वक जीने का मतलब तृप्ति पूर्वक जीता हूं और स्वयं को पहचानते हुए मैं दूसरे मानव को पहचान सकता हूं, क्योंकि मैं जैसा हूं वैसा ही आप भी हैं कि अलग हैं। मानव में कोई वैरायटी नहीं है, पशु पक्षियों में बहुत वैरायटी है। हाथी भी है, घोड़ा भी है, खरगोश भी है, बंदर भी है, देखिए ना बहुत वैरायटी है। पेड़ पौधों में बहुत वैरायटी है, पदार्थ में बहुत वैरायटी है, मानव में कोई वैरायटी नहीं है। यहां का आदमी हो, अमेरिका का आदमी हो, आप पहचान जाते हो ये आदमी है। ऐसा थोड़ी है इंडिया के आदमी को आदमी बोलते हो, अमेरिका के आदमी को कुछ और बोलते हैं, नहीं बोलते। तो मानव में कोई वैरायटी नहीं है। रंग रूप अलग होगा, रंग रूप अलग होने का भी कारण है। अगर सबका रूप एक जैसा हो जाए पहचानना ही मुश्किल हो जाएगा, कौन दिनेश भाई है कौन बोनी भाई है, मुश्किल हो जाएगा। हम किसको दिनेश भाई किसको बोनी भाई बोले, फिर कपड़े पे लिख लिख के टांगेंगे जैसे यहां टांगे हैं। यहां तो इसलिए टांगे हैं कि हम एक दूसरे को पहचान सकें, लेकिन घर में ही नहीं पहचानेंगे। तो रंग रूप अलग होने का भी पर्पज है और इसके लिए भूगोल भी एक कारण है। जैसी भौगोलिक स्थिति में जो जन्म लेता है उस तरह का उसके शरीर का आकार हो जाता है, वैसा उसका रंग रूप हो जाता है। तो रंग रूप में ही विविधता है। तो पहले तो यह पहचान में आ जाए कि मानो पूरी धरती पे कोई वैरायटी नहीं, एक ही है। इसलिए अगर मैं खुद को समझ जाऊंगा तो मैं ऑस्ट्रेलिया में मानो, यूएस में मानो, लंदन में बैठा हुआ मानो, स्विट्जरलैंड में बैठा हुआ मानो, मुझे सब मानो समझ में आ जाएंगे। अभी हमने सब को समझने की कोशिश किया खुद के अलावा। कैसे बोलते हैं, देखो जी आप हमको समझ नहीं रहे हो। अच्छा, नहीं आप हमको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। अच्छा, आप तो इस जिंदगी में हमको समझ ही नहीं सकते। अच्छा, आप अपने को समझ लिए हो क्या? आप खुद को समझ लिए हो? खुद को समझे ही नहीं है और दूसरे को बता रहे हैं आप मुझे समझो। समझने की कोशिश करो, मुझे समझने की कोशिश करो। अरे समझने की कोशिश करो। अरे यार तुमको पता नहीं है, तुम मुझे समझ नहीं रहे हो, तुम मुझे इस जिंदगी में समझ नहीं सकते, यही झगड़ा है। जबकि मैं खुद को नहीं समझाऊं तो पहला खूंटा ये गड़ेगा कि मानो धरती पे एक ही वैरायटी है, इसकी वैरायटी है ही नहीं है। वैरायटी है तो रूप रंग की ही है भाई। होगा तो दो हाथ ही होगा, दो पैर ही होगा, एक नाक होगी। किसी की दो नाक हो जाए, एक नाक यहां, तीन नाक हो जाए, एक यहां, एक यहां, एक यहां, आप बोलोगे यार या तो आदमी है क्या है ये। मतलब आदमी नहीं बोलोगे आप उसको। तो आदमी का एक हमने रूप भी पहचाना हुआ है और उसके जीने का ढंग भी पहचाना हुआ है।
अभी पूरी धरती पे आदमी क्या कर रहा है? आहार निद्रा भय प्रजनन कर रहा है, समझ पूर्वक जिएगा। तो जीने में जिंदा रहना शामिल रहता है, जिंदा रहते हुए जीना होता है। ये गुरु मूल्य है, इसमें लघु मूल्य समा जाता है। इसमें यह नहीं समाएगा, लेकिन इसमें यह समा जाएगा। अब क्या है, जिंदा जीने में ये ही महत्वपूर्ण नहीं रहता, कुछ चीजें जुड़ जाती हैं। विश्वास पूर्वक, सम्मान पूर्वक, तृप्ति पूर्वक जीना होता है। तो हम सभी जिंदा रहना चाहते हैं कि जीना चाहते हैं? अभी ये बात आप धीमे से बोलेंगे। आप सभी जिंदा रहना चाहते हैं कि जीना चाहते हैं? चाणक्य बोलो, जिंदा रहना चाहते हैं कि जीना चाहते हैं? दोनों चाहते हैं। अरे मैं बोल दिया जीना में जिंदा रहना शामिल ही है, अभी भी तुमको खतरा ही लग रहा है कि कहीं जीना बोल दे तो इसका क्या होगा, बढ़िया मलाई और पनीर का क्या होगा? अरे वो भी मिलेगा। तो जीना में जिंदा रहना शामिल होता है। अब मेरा प्रश्न ये है, आता हूं तो अगला प्रश्न ये बनता है, क्यों जीना है? बताइए, जो लोग पहले शिविर किए हैं वो थोड़ा सा सहयोग बनाए रखेंगे। हाँ जी बोलो। नियति लिख ही दें। बेहतर होने के लिए जीना है। बेहतर होने के लिए, और बेहतर होते होते अगर कभी, मतलब कभी नहीं, आने वाला ही है, मृत्यु के समय कोई रिग्रेट्स ना रहे। मृत्यु के समय कोई रिग्रेट्स ना रह जाए। अच्छा, मतलब पूरा ही हो जाए सब, उन्हें आराम से मर सके। हाँ, मतलब सभी हमारी इच्छाएं जो है, हाँ, या कोई भय है वो कुछ रह ना जाए। मतलब कुछ रह ना जाए, मतलब हाँ, मैं आराम से मर सकूं, निश्चिंत मर सकूं। हाँ ठीक है, चलिए उसको नहीं लिखते, क्या मरने की बात यहाँ लिखे। चाणक्य ये बोल रहे थे कुछ। प्रश्न सब तक चला गया? क्या प्रश्न है? प्रश्न क्या है? क्यों जीना है? ये प्रश्न भी देखिए, मैं आप ही से कहा, से बोला जीना चाहते हैं, तब मैंने पूछा है क्यों जीना है। हाँ जी, अगर हमारा कोई मकसद हो और वो पूरा हो जाए तो सम्मान के लिए जीना है। सम्मान के लिए, बढ़िया। और अपनी सेल्फ को कंटिन्यूअसली रीइन्वेंट करने के लिए। सेल्फ को कंटिन्यूअसली रीइन्वेंट करने के लिए। सेल्फ को रीइन्वेंट करने के लिए। सेल्फ का रीइन्वेंट होता है, उसका तो इन्वेंट हो ही चुका है। हाँ जी, और खुश रहने और रखने के लिए। हाँ जी, इधर से क्यों जीना है? आप गुजराती में बोलिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बोलिए जरूर, दुख मतलब हमें निराश मत करिए। हाँ जी, क्यों जीना है? माइक लेके जाइए, देखिए कोई बोलेंगे। बताइए दीदी, क्यों जीना है? कोई भी, आपको हिंदी में प्रश्न पकड़ में आ रहा है ना, क्यों जीना है? सभी को क्यों जीना है? हाँ
भैया धरती पे आ गए तो जीना है बस, और मालूम नहीं मर नहीं रहे हैं तो क्या करें, जीना है। दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। और आगे की लाइन क्या है, आगे की लाइन क्या है, मिले अगर जहर तो उसे पीना ही पड़ेगा। जी आपनों कोई लक्ष्य कोई गोल हो तो पूरा करवा माटे, लक्ष्य को पूरा करने के लिए, लक्ष्य पूरा करने के लिए, लक्ष्य का पता है आपको जो करना है आगे कुछ करना है तो वो लक्ष्य आपके दिमाग में रहना चाहिए, लक्ष्य को पूरा करने के लिए। ऐसे गाने चलते हैं ना कि दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई, और आगे क्या बोलते हैं, दुनिया तो बनाया उसमें आदमी को बना दिया। उसी गाने में आता है ना। हाँ जी जी सर, अबे संबंधों को निभाने के लिए, संबंधों को निभाने के लिए लेकिन जी तो शांति के लिए रहे हैं ना, चाह तो रहे हैं ना, मतलब चाहना ही है, अभी तो योग्यता नहीं अलग बात है, शांति के लिए। अभी हम चाहना ही पूछ रहे हैं, हम जी नहीं पा रहे हैं अलग बात है। जी अच्छे कर्मों के साथ जीना है, अच्छे कर्मों के साथ, अच्छा कर्म किसे कहते हैं, अच्छा कर्म इसे कहते हैं दूसरों को भी प्रभावित करता है और मेरा जीवन भी प्रभावित होता है उससे। बढ़िया, जो है जो मुझे शांति मिलती है, जो कर्म से मुझे शांति मिलती है दूसरों को भी शांति मिलती है, उसको अच्छा कर्म कह सकते हैं। बढ़िया, बहुत लंबी है, बढ़िया, इसका सर करें तो ज्यादा टाइम लगेगा। हाँ इसलिए मैं ये प्रश्न बीच में रख दिया क्योंकि अच्छा भी डिसाइड नहीं हो पाया, मेरे लिए कुछ अच्छा है आपके लिए वो बुरा हो जाता है, आपका अच्छा मेरे लिए बुरा हो जाता है, मतलब ये अच्छा जो शब्द है ना ये अभी सबके लिए अलग अलग हो गया है। जी सेवा के लिए, ठीक हेलो जी, पदार्थ पेड़ पौधे कहाँ पे, हाँ हाँ जी, पदार्थ पेड़ पौधे पशु पक्षी और मानव किसी को भी नुकसान न करने जीना है वो जीना है, मतलब मेरा लक्ष्य नहीं हुआ ना, नुकसान न करना एक लक्ष्य हो गया। हेलो जी, अपने माता पिता के लिए, अपने माता पिता के लिए, हाँ जी, सुखमय जीवन जीने के लिए, सुखमय जीवन जीने के लिए, जी और इतनी बड़ी सभा में इतने उत्तर केवल, उत्तर कम है कि हो गए सबके इसी में आ गए, आप सबके इसी में आ गए। हाँ जी इधर दीजिए,
दीदी को? जिम्मेदारियों को निभाने के लिए। महिला बोलेंगे तो यही बोलेंगे। जी आगे। मृत्यु से भय रहती है। मृत्यु भय से बचने के लिए। जी मरने के बाद लोगों याद करें इसलिए जीना। अच्छा, मरने के बाद की चिंता, मरने के बाद लोग याद करें इसके लिए। बढ़िया। बढ़िया, ऐसे लाइए पॉइंट। और समष्टि दर्शन के लिए। समष्टि दर्शन? हाँ, समष्टि दर्शन के लिए, सर्वांगी दर्शन। जी कुछ बन के कुछ कर दिखाने के लिए। शिवांश क्यों जीना है? कहाँ से? अच्छा, खुद के और अच्छा विश्वास के लिए। ठीक है, कुछ करने के लिए। क्या करने के लिए? हाँ, इंजीनियर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए। और इंजीनियर डॉक्टर बन के क्या करेंगे? घर बनाएंगे। ठीक है, मतलब घर बनाना भी एक काम है ही है, तो हम घर बनाने के लिए जिएंगे। अच्छा, एक जिंदगी में कितना घर बनाना पड़ता है? जितना हम बना सके। ठीक है, एक शहर में 5 घर या 5 शहरों में घर या 5 देशों में घर या सारे देशों में मेरा एक घर हो, कितना? अच्छा, जिनके घर नहीं है, हाँ जिनके घर नहीं है उनके लिए हम घर बनाएंगे, इसलिए इंजीनियर बन रहे हैं। बढ़िया, सही बात है। अब जिसके पास पैसा है उसको घर बनाने थोड़ी आता है, तो कोई इंजीनियर खोजेगा ही? बढ़िया, ठीक है, इतने से काम चलाया जाए। हाँ जी, समृद्धि की अनुभूति के लिए। कहाँ भैया? हाँ, समृद्धि की अनुभूति के लिए। हमेशा खुश रहने के लिए। चलिए, बोर्ड भी भर गया लगभग ये वाला। जलसा करने के लिए। है? जलसा करने के लिए। जलसा करने के लिए। हाँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो आपने जितनी बातें कही हैं सभी सही है। ठीक है, अब मैं एक प्रस्ताव रखता हूं, उस प्रस्ताव में आपने जितनी बातें कही हैं उसको जांच लीजिए कि जैसे बेहतर होने के लिए जीना है तो बेहतर होने से क्या मिलेगा? सम्मान के लिए जीना है, सम्मानित होने से क्या मिलेगा? सेल्फ के रीइन्वेंट के लिए जीना है, उससे क्या मिलेगा? खुश रहने, खुश रखने के लिए, इससे क्या होगा?
धरती पर आए हैं तो जीना ही है, लक्ष्य को पूरा करने के लिए। तो जब कोई लक्ष्य पूरा होता है तो उससे आपको क्या मिलता है? संबंधों को निभाने के लिए जब संबंध निभ जाते हैं तो आपको क्या मिलता है? खुशहाली मिलती है। देखिए अब दीदी धीरे से बोल रही है, क्या मिलती है? तो जितनी भी बातें कर रहे हैं उससे क्या मिलती है? क्या मिलती है? खुशी मिलती है, खुशहाली मिलती है। तो हम किस लिए जी रहे हैं? खुश रहने के लिए नहीं। तो यहां पर प्रस्ताव है, मानव का समस्त प्रयास, मानव का समस्त प्रयास केवल और केवल केवल और केवल सुख के लिए है, सुख के लिए है। आप इसको जांचिए, जितनी भी बातें लिखे हैं उससे क्या मिलेगा? सेवा के लिए। सेवा से क्या मिलेगा? किसी को नुकसान न पहुंचे, किसी को नुकसान न पहुंचे, उससे आपके अंदर क्या आएगा फीलिंग? मृत्यु भय से बचने के लिए। मृत्यु के भय से बचते हैं तो क्या आपको लगता है? जिम्मेदारियों को निभा लेते हैं तो आपको क्या महसूस होता है? आप जांच के देखिए, सुबह जगने से लेके रात के सोने तक जितने भी काम आप करते हैं उसका अंतिम लक्ष्य क्या होता है? आराम से जांच के देखिए, जो आहार निद्रा भय प्रजनन भी करते हैं और उसी में लगे रहते हैं उससे क्या पाना चाहते हैं? जैसे भोजन, भोजन से भूख मिटती है और स्वाद से सुख मिलता है। जांच के देखिए, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, आप सभी कुछ ना कुछ कर ही रहे होंगे। भाई कोई नौकरी कर रहा होगा, कोई व्यवसाय कर रहा होगा, कोई उत्पादन कर रहा होगा, कोई घर में, कोई अपना घर का ही काम कर रहा होगा। अभी क्या है, घर के काम को काम माना ही नहीं जाता जबकि सारा काम घर के काम के लिए है। जितना भी आप पैसा कमाते हैं किस लिए? कि घर में जाएंगे, बढ़िया से खाएंगे और बढ़िया से सोएंगे। तो बढ़िया से खाने सोने का इंतजाम घर में है और घर में के काम को काम ही नहीं माना जाता। तो कुल मिला के कोई घर में काम कर रहा होगा अपने, कोई दुकान में, कोई व्यवसाय में, कोई नौकरी में, सब काम करते हैं सुबह जगने से ले रात के सोने तक। जो भी काम आप करते हैं उसका लक्ष्य क्या है? पाना क्या चाहते हैं उससे? तो आप जांच के देखिए, एक भी काम आप ऐसा नहीं करना चाहते जिसमें सुख की संभावना ना हो। एक भी काम आप ऐसा नहीं करना चाहते जिससे आपको दुख की संभावना हो। दुखी हो जाते हैं अलग बात है, अपनी योग्यता नहीं है, करते तो सब सुख के लिए, हो जाते हैं दुखी। क्यों? क्योंकि समझ नहीं है। लेकिन चाहना क्या है? ये मानिए मत कि मैं बोल रहा हूं कि अब कल से बोल रहा हूं तो आपको दया भी आ रही होगी कि भाई गला भी दर्द कर रहा है, अभी बोल दिए सुख के लिए जीना तो चलो भाई मान लो। तो मैं कह रहा हूं नहीं मानना है। आप जांचिए, अपने काम को ध्यान रखिए, ध्यान दीजिए, क्या आप एक भी काम ऐसा करना चाहते हैं जिससे आप दुखी हो, या इसका उल्टा कि आप हर काम किसी न किसी सुख की तलाश में करते हैं, हर काम किसी न किसी सुख की तलाश में करते हैं। अगर कोई दुखी हो रहा है आपके कारण तो आपका उद्देश्य उसको दुखी करना नहीं था।
आप अपने सुख के लिए कोई गलती कर बैठे हैं जिससे दूसरा दुखी हो गया। एक्चुअली आपका दुखी करना उद्देश्य नहीं था, आप तो अपने सुख की तलाश में हैं। जांच के देखिए, हर क्षण हर दम हमेशा आप किसी न किसी सुख की तलाश में रहते हैं। जहां जहां आपको सुख की संभावना लगती है वहां वहां हाथ पांव मारते हैं, जहां जहां से दुख की संभावना रहती है वहां वहां से अपने को आप विड्रॉ करते हैं, अपने को निकालते हैं। आप जांच के देखिए, एक माँ अपने बच्चे के साथ बिस्तर पे सोई है, बच्चा छोटा है, बिस्तर को गीला कर देता है, माँ क्या करती है? माँ क्या करती है? अब तो खैर वो जमाना खत्म हो गया, अब तो ऐसी चीजें हम पहना के सोते हैं कि अब गीला ही नहीं होता। अरे हमारे समय में था, आपके समय में था कि बिस्तर गीला कर दिया बच्चा, अब माँ क्या करती है, क्या करती थी, क्या करती थी? हाँ दीदी, हाँ माइक दे दीजिए थोड़ा, कहीं बीच में बैठ जाइए, कुछ लोग किनारे। जब बच्चा गीला कर देता है तो माँ उस जगह पे सो जाती है और बच्चे को उल्टी जगह पे सोलाती है। तो गीले पे सोना, भाई गीले बिस्तर पे सोने से आप दुखी होंगे कि खुश होंगे? दुखी क्यों होंगे, अपने बच्चे के लिए तो करना ही पड़ता है। लेकिन बच्चा अगर ना हो, अब आपको गीले बिस्तर पे सुलाया जाए तो नहीं सोएंगे, तो आपको दुख होगा कि सुखी होंगे? तो अपने आप गीला मिला है तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, सहना ही पड़ेगा। और किसी ने जबरदस्त पकड़ा है, देखिए बिस्तर वही है, बिस्तर वही है, बिस्तर वही है, पर अपने बच्चे के साथ खुश रहना पड़ता है। और अपने बच्चे को अगर बिस्तर गीला हो गया तो अपने बच्चे को सूखे पे करके आप गीले पे सो जाते हैं तो खुश, और आप खुश होते हैं। तो वहां पे क्या चीज है? संबंध को स्वीकारा है आपने, संबंध है, माँ है, माँ है, माँ मतलब क्या, संबंध को स्वीकारा हुआ है पुत्र से, पुत्री से, अपने संतान से संबंध की जो एक भाव है आपके अंदर, उसके कारण आपको गीलापन भी सुख दे रहा है। तो फिर से उसी प्रस्ताव को जांचिए कि मानव का समस्त प्रयास केवल और केवल सुख के लिए है। अपने पैदा होने से अपने दुनिया से जाने तक जितने भी काम करता है मानव किसी न किसी सुख की तलाश में करता है। वो मिलता नहीं है वो अलग बात है, नहीं मिला कोई योग्यता नहीं है, नहीं मिला कोई परिस्थितियां ऐसी थी, नहीं मिला, लेकिन जितने भी दुख उसने पाए एक्चुअली वो दुख पाना नहीं चाहता था। आज भी हमको जो भी दुख मिलता है एक्चुअली हम उसको पाना नहीं चाहते हैं, लेकिन मिल जाता है। लेकिन मैं उसको चाहता हूं क्या? मैं उसको नहीं चाहता। एक प्रश्न खड़ा होता है मन में, आपने बोला केवल और केवल सुख के लिए ही जीवन है, तो क्या मनुष्य जीवन खाली अपने सुख के लिए है और आगे कुछ नहीं आता, सुख से आगे कोई बात है कि नहीं जीवन में? हाँ, तो मेरा प्रस्ताव तो यही है कि सुख के आगे कुछ नहीं है, आप बताइए। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि क्या कोई आगे बात ही नहीं होती, पूरा जीवन धन्य धन्य हो जाता है सुख मिलने से। हाँ, मेरा तो प्रस्ताव यही है कि मानव केवल और केवल सुख के लिए जीता है, केवल और केवल सुख के लिए, मेरा उत्तर यही है, आप बताइए आपको क्या लगता है। हाँ जी, अभी आपसे संवाद चल रहा है ना, आप बताइए आपको क्या लगता है, सुख के अलावा भी कुछ है? जी मैं आपसे वही बोल रहा हूं कि आगे कोई चिंतन आएगा कि नहीं, चिंता खत्म होना ही सुख है, कि यहाँ फुल स्टॉप हो जाएगा, सुख मिल गया, हो गया जीवन पूरा, धन्य धन्य हो गया, वही मेरा क्वेश्चन है। हाँ, आगे कुछ है जीवन में कि नहीं है? तो मेरा तो यही कहना है कि जो कुछ भी है वो सुख के लिए ही है और कुछ नहीं है।
आप बताइए और कुछ है तो। मुझे पता नहीं इसलिए तो आपको पूछ रहा हूँ। बढ़िया बढ़िया। तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि मानव को सुख ही चाहिए, सुख ही चाहिए, सुख ही चाहिए और सुख ही चाहिए। हाँ, दीदी को दीजिए पीछे। ये भैया जी जो बार बार कह रहे हैं कि सुख के बाद ही सब कुछ समाप्त हो जाएगा, क्या बिल्कुल सुख के बाद सब समाप्त हो जाएगा? क्योंकि उस एक शब्द में आपकी सारी शंकाओं का समाधान है, सारे समन्वय उसी में है, सारे संबंध उसी में है। क्योंकि आप सुख की प्राप्ति जब जब करते हैं, तभी वो सुख की प्राप्ति आप केवल तभी करते हैं जब आप किसी को प्रसन्नता देते हैं, उसको प्रसन्न करके आपको प्रसन्नता होती है। उसमें जड़ भी है, उसमें पदार्थ भी है, उसमें पशु भी है, उसमें पक्षी भी है। आपके सुख के बाहर कोई चीज़ है ही नहीं, इसलिए सुख पर सब समाप्त हो जाएगा। मुझे बढ़िया। इसमें एक चीज़ और मैं जोड़ देता हूँ कि आप जो कुछ भी करते हैं उसमें एक्चुअली क्या कर रहे होते हैं अभी भी, तो जो भी सुख आपको मिलता है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं। जो सुख आपको मिल रहा होता है उस सुख को बढ़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं, और अगर दुख मिल रहा है तो उसको घटाने की कोशिश कर रहे होते हैं। मैक्सिमाइजेशन ऑफ सुख और मिनिमाइजेशन ऑफ दुख। दुख को, अगर आपको सुख का पता नहीं है तो आप दुख को घटाने के प्रयास में लगे हुए, इतना तो कम से कम कर ही रहे हैं सभी। ये वाला दुख कैसे घट जाए, ये वाला दुख कैसे घट जाए, ये वाला दुख कैसे घट जाए, भाई सुविधा वाला, रोटी वाला, कपड़े वाला, मकान वाला, ये दुख कैसे घट जाए, फिर संबंध में जीने वाला दुख कैसे घट जाए, ये कैसे समझदार हो जाएंगे मेरे साथ जी पाए, मैं समझदार हुआ कि नहीं हुआ इसका पता ही नहीं है, लेकिन ये समझदार हो जाए हाँ ये समझदार हो जाए तो मेरा दुख दूर हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, अपने दुख को दूर करने की कोशिश में लगा रहता हूँ। इसका मतलब है मैं दुख को घटाने की कोशिश में लगा रहता हूँ, इसका मतलब ही यह है कि मैं सुख को बढ़ाने की कोशिश में लगा रहता हूँ। हमेशा जो भी मेरा कार्य है उसमें दो ही है, दुख को घटाना, सुख को बढ़ाना, यही काम कर रहे हैं। जैसे एक सिचुएशन सामने रखते हैं कि जब बच्चा छोटा होता है या तो फिर वो स्कूल में जाता है तो उसको पढ़ना नहीं होता है, मतलब पढ़ना नहीं होता, मतलब उसको नहीं पढ़ना है लेकिन लोग उसको ज़बरदस्ती पढ़ा रहे हैं। हाँ, तो उस सिचुएशन को इसको कैसे संदर्भ में देखेंगे, उसको थोड़ा एक्सप्लेन किया जाए। तो बच्चे को घर में मज़ा आता है, घर में उसके खिलौने हैं, घर में उसके खिलौने रखे हैं, घर में जो चाहता है वो खा लेता है, बिस्किट खा लेता है, नमकीन खा लेता है, माँ के साथ जिद करता है ये दे दो वो भी मिल जाता है। अभी स्कूल के बारे में उसको एक भय है कि जो मेरी घर में, एक तो घर का खिलौना स्कूल में जाएगा नहीं, अभी उसको पता भी नहीं है कि स्कूल में क्या होता है। दूसरा क्या है, स्कूल का एक ऐसा चित्र खींचा गया है कि जाओ तुम बदमाशी कर रहे हो ना, अभी स्कूल जाओ, जब मैडम तुमको डांटेगी, मैडम समझाएगी तब पता चलेगा, अभी तुमको पता नहीं है, अभी तुम बदमाशी करते हो। तो क्या होता है, कुछ तो हम भय भी पैदा कर देते हैं और कुछ बच्चा खुद भी भयभीत रहता है, स्कूल में क्या है पता नहीं, क्या है पता नहीं क्या है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वही बच्चा घर में रुकना नहीं चाहता, अगर स्कूल ऐसा हो है तो स्कूल में मजा आने लगता है। तो क्या है, एक्चुअली वो मजा ढूंढ रहा है। तो जैसे ही हम स्कूल में दाखिला कराते हैं वो नहीं जाना चाहता क्योंकि मजा तो उसको घर में आया है, लेकिन अगर धीरे धीरे उसको स्कूल में मजा आ गया तो फिर वो स्कूल जाना शुरू कर देता है। तो एक्चुअली क्या ढूंढ रहा है, वो मजा, अच्छा लगना, हमको अच्छा लगता है, घर में अच्छा लगता है तो घर में रहेगा, स्कूल में अच्छा लगता है तो स्कूल जाना चाहेगा। अभी जो हैप्पीनेस क्लास हम लोग दिल्ली में चलाए हैं उसमें बहुत सारे बच्चे घर रुकना ही नहीं चाहते, नहीं नहीं हैप्पीनेस का पीरियड होगा, आज कोई अच्छी कहानी सुनाई गई थी कल और आज उस पर चर्चा होगी, तो एक्चुअली स्कूल उतने सुखदायी हो नहीं पाए। जी अभी जैसे प्रैक्टिकल एग्जांपल घर का लेते हैं, तो घर में जब भी
या तो फिर मतलब पिता और पुत्र के बीच में या तो फिर सास बहू के बीच में कोई ना कोई तनाव आता है, तो उसके केस में प्रैक्टिकल सिचुएशन में हर रोज़ ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं स्वीकार नहीं होता है, फिर भी हम लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ करके करना पड़ता है, तो उसके केस में तो हम दुख बढ़ा दुख कम भी नहीं कर रहे, दुख बढ़ रहा है। हाँ, तो कंप्रोमाइज जो है ये सुख नहीं है, एक सुखी होने का एक एक्टिंग है सुखी होने की एक असफल प्रयास है, क्योंकि जितना ज्यादा आप कंप्रोमाइज करते जाएंगे बाद में जब बम फूटेगा तो वो बड़ा बम होगा। इसलिए कंप्रोमाइज कोई सुख होने का आधार नहीं है, वो हम दुखी अंदर अंदर, भाई बाहर नहीं व्यक्त हो रहा, अंदर अंदर दुखी हो रहे, तो सुखी भी तो अंदर ही हो रहे थे। हाँ जी कृष्णा भाई। हेलो। हाँ, जैसे अभी आपने बताया कि मानव का समस्त प्रयास दुख को कम करने के लिए और सुख को बढ़ाने के लिए है, तो जैसा भैया ने कभी एग्जांपल लिया कि घर में जब भी कोई तनाव हो जाता है तो हम उसमें कुछ कंप्रोमाइज कर लेते हैं, तो उसमें ये कहाँ फिट बैठता है कि हम दुख को कम कर रहे हैं सुख को बढ़ा रहे हैं? तो मेरे हिसाब से वहाँ पे भी यही चीज़ लागू होता है, वो कंप्रोमाइजेशन हम इसीलिए करते हैं कि अगर हम वो कंप्रोमाइजेशन नहीं करते हैं तो पिताजी या जो भी हैं वो ज़्यादा दुखी हो जाएंगे और उनके उस दुख से मैं और ज़्यादा दुखी हो जाऊँगा, तो कहीं ना कहीं वो थोड़े सुखी हो जाएँ और हम थोड़ा दुखी होंगे तो भी हमारे लिए वो चलता है, वो हमारे लिए वो कम दुख है और उनकी खुशी जो है वो ज़्यादा सुख की तरफ है हमारे लिए। बढ़िया। तो अभी हम दूसरों के गम अपने साथ लेके ढोते हैं और बोलते हैं जी चलो वो तो बच गए कम से कम, तो एक्चुअली ये जो कंप्रोमाइज वाला मुद्दा है, अभी जब सुख को समझेंगे तो ये और क्लियर होगा कि सुख है क्या। और एक इसी का एक दूसरा एग्जांपल ये भी है कि मान लीजिए कोई एक परिवार है जो बहुत दिनों से। हाँ जी, सभी सुन रहे हैं ना? ठीक है, बार बार बीच में जगाना पड़ता थोड़ा। कोई एक ऐसा परिवार है जो जिसको बहुत दिनों से भोजन नहीं मिला, एक माँ है और इसके साथ एक बच्चा है, दोनों भूखे हैं, बहुत ज़्यादा भूखे हैं, कुछ नहीं मिला खाने को, तो क्या होता है कि कहीं गांव में जाते हैं, वहाँ एक रोटी मिलती है उनको खाने के लिए, तो उस समय जो माँ है उसके पास दो तरीके के सुख हैं, पहला सुख जो है अपना भूख मिटाने का सुख होता है, दूसरा सुख जो होता है अपने बच्चे का पेट भरने का सुख, तो इस सिस्टम के आधार से वो तुलन करती है अपने अंदर कि मेरा पेट भरने का सुख छोटा है मेरे लिए और मेरे बच्चे का पेट भरने का सुख जो है वो मेरे लिए बड़ा है, तो अपने ये कहने में थोड़ा उल्टा लगता है, माँ कहीं ना कहीं अपने बच्चे के लिए नहीं वो करती, अपने लिए है, अपने बड़े सुख के लिए वो अपने बच्चे को खिलाती है, खुद नहीं खाती है। बहुत बढ़िया उदाहरण है, अच्छा उदाहरण है, एक्चुअली अपने सुख के लिए ही खिला रही है, वो बच्चे के सुख के लिए नहीं खिला रही है क्योंकि बच्चा भूखा रहेगा तो माँ दुखी होगी, माँ भी भूखी है लेकिन बच्चे, माँ भी भूखी है एक दुख है, लेकिन बच्चा भूखा है उससे बड़ा दुख है, बच्चे को खिला के वो सुखी होती है। जी हेलो हेलो हेलो, यानी करती तो अपने सुख के। हाँ जी सर जी, मेरा एक क्वेश्चन है आपको कि शास्त्रों में सुना गया है कि हमारा जीवन भगवान पाने के लिए है, अगर भगवान मिल गया, मोक्ष मिल गया तो आपका जीवन धन्य हो गया, तो वो बात मुझे समझ में नहीं आती सर कि भगवान जैसी चीज़ जो हमने दिखी नहीं उसे मानना पड़ता है, तो वो बात जरा आप समझाइए, मुझे वो नहीं पता चलता, क्योंकि बार बार जब भी कोई प्रवचन में, जब भी कोई स्वामी जी के प्रवचन में जाते तो उनकी बातें होती है, तो ये क्या होता है सर, ऐसा होता है कि नहीं होता? बढ़िया। तो इसमें पहली बात तो ये है कि ये बात मैंने नहीं कही है, पहली बात, क्योंकि जिसने कहा है उत्तर वही दे सकता है। दूसरी बात ये है कि हमको क्या कहा गया कि ये वाला काम करोगे, ऐसे जियोगे तो आपको मोक्ष मिलेगा, तो मोक्ष को हमने क्या माना हुआ है? सुख का साधन परम सुख माना हुआ है, हम उस सुख को पाना चाहते हैं। लेकिन वो बात सच है कि या गलत, वो मैं जानना चाहता हूँ। हाँ, वो बात तो सत्य गलत को मैं निर्धारित नहीं करूंगा ना,
भैया देखिए, इस कमरे में 50 तरह की चीजें हैं, मान लीजिए इस कमरे में 50 तरह की चीजें हैं, और आप किसी को सही मान रहे हो, किसी को गलत मान रहे हो, क्योंकि वहां अंधेरा है। हमने एक लाइट आपको टार्च जला के दे दिया, अब जला के देख लो, आप ही तय करो क्या गलत है क्या सही है। तो हम आपको टॉर्च दे सकते हैं, हम आपको टॉर्च दे सकते हैं, सही गलत का निर्णय आप करिए, वो सही है कि नहीं। हाँ, इतना तय है कि जो मोक्ष कहा गया है वो किसी सुख को ही कहा गया है, वो बात आपकी सही है। और मैं आपको एक क्वेश्चन और करना चाहता हूँ कि हमको पता तो है ही कि ये सही है और गलत है, लेकिन मेरे मन में ख्याल आ रहा है कि मैं जब भी देखता हूँ तो जो इंसान गलत करता है वो खुशी खुश रहता है, और जो इंसान सही और सच्चा काम करता है वो दुखी ही रहता है, तो ऐसा क्यों सर? ऐसा नहीं है, समझ दोनों को नहीं है भाई। मैं अगर समझदार हूँ तो मैं सही काम करके क्यों दुखी होऊंगा? तो मैं आहार निद्रा है, मैं प्रजनन को ही सब कुछ मान के बैठा हुआ हूँ, सुविधा को ही मैंने सुख मान के बैठा हुआ है, तो मुझे लगता है कि ये जो है जानवरों की हत्या करते हैं और इतना बिल्डिंग बना लिए, और मैं जानवरों की हिंसा नहीं करता, मेरे पास रहने का घर भी नहीं है, तो मैं सुविधा को ही आधार माना हुआ हूँ, इसलिए मैं दुखी होता हूँ। सही बात है। ओ, सही बात तो मैं कल से बोल रहा हूँ। तो भैया भैया इसका मतलब यही है, इसका मतलब यही है कि समझ नहीं हुआ, नहीं तो मैं सही हूं इसमें मैं कैसे दुखी होऊंगा भैया? इसका मतलब जो मैं सही कर रहा हूं एक्चुअली मुझे भी विश्वास नहीं है कि सही है। हाँ जी, क्या कभी ऐसा संभव है कि बिना दुख के सुख, बिना दुख के सुख? हाँ, ये मुद्दा है, प्रश्न ही नहीं आ रहा था भी, बिना दुख के सुख का पता कैसे चलेगा, ये मुद्दा है कि नहीं है? तो इसमें एक परंपरा में एक सूक्त कहा गया, सुख और दुख साथ साथ हैं। एक एग्जांपल है, मैं नहीं कह रहा हूं, अभी सुन लीजिए, थोड़ा हमारे आपके भी संवाद चल रहा, मैं नहीं कह रहा हूं सुख दुख साथ साथ है, मैं कह रहा हूं कि सुख दुख साथ साथ का मुद्दा ही नहीं है, हम हमेशा सुखी होना चाहते, हम तो दुखी होना ही नहीं चाहते। अब जो दूसरी बात आपने कहा वो मैं सभा पे छोड़ रहा हूं, क्या दुख के बिना सुख का पता चलेगा? रुक जाओ, अभी इस पे बात कर ले, बहुत तेज आप बढ़ रहे हो, सभा उतनी तेज नहीं बढ़ रही है ना। आप बताइए, क्या दुख के बिना सुख का पता चलेगा? चलेगा नहीं चलेगा? आप अकेले बोल रहे हैं, हाँ। बताइए, इसका मतलब दुख भी जरूरी है तभी सुख का पता चलेगा, ऐसा लग रहा है कि पहले आपको 4-5 थप्पड़ लगाए जाएं फिर प्यार किया जाए, आ जाओ भैया बहुत अच्छे हो, नहीं तो आपको प्यार पता ही नहीं चलेगा, क्यों? मैं क्या बोल रहा हूं, पर अपने को ऐसा है कि मेरे को प्यास लगी है तो पहले प्यास का दुख मैं सहूंगा और फिर पानी पीऊंगा तो मैं उसका सुख भी लूंगा, और मेरे को अभी लो, प्यास कोई दुख थोड़ी है, हम दुख को कहाँ कहाँ जोड़ के रखें भैया, प्यास एक आवश्यकता है शरीर की, प्यास कोई दुख नहीं है, प्यास केवल इस बात का संकेत है कि आपके शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए पानी चाहिए, वो आपके शरीर में कम हो गया है बस। हाँ, अगर आपको प्यास लगी और पानी मिल ही नहीं रहा है तब दुख है। मतलब तो वो हुआ ना कि मतलब पानी सूख ही देता है, तो मतलब 3-4 ग्लास पी जाओ तो आपको बहुत सुख हो जाएगा, और 1 ग्लास पियो तो आप कम सुख हो गए। अगर 1 गिलास की प्यास है तो आप 3 गिलास पियोगे ही नहीं। सुविधा के मामले में यही तो है कि सुविधा जितनी चाहिए उतनी ही चाहिए, उससे ज्यादा चाहिए ही नहीं, लेकिन सुख आपको कितना चाहिए? तो हम वही तो बता रहे कि प्योर सुख कहाँ, सुख कितना चाहिए सर? सुख ही चाहिए, पर बिना, कितना चाहिए? बिना दुख के सुख कहाँ, कितना सुख चाहिए? सारी जिंदगी सुख ही चाहिए। तो फिर दुख कहाँ चाहिए? तो पर वो सहना पड़ता है ना, सहना पड़ता है, वो अपनी योग्यता है। देखिए अभी ये क्या कह रहे हैं, हमको सारी जिंदगी सुख चाहिए, इसका मतलब दुख चाहिए? दुख तो नहीं चाहिए, पर नहीं दुख आता है, वो मिलता नहीं है, वो हमारी योग्यता ही नहीं है सुख पाने की, योग्यता की कमी है ना,
हमको चाहिए क्या? जैसे मीठे का एक स्वाद होता है, कड़वे का एक स्वाद होता है, तीखे का एक स्वाद होता है, तो क्या मीठे का स्वाद आपको मिले इसके लिए पहले मिर्चा खिलाया जाए तब आप मीठे का स्वाद पहचानेंगे, या सीधे आपको मीठा खिला दिया जाए आप बोलेंगे मीठा है? तो आप ये मानते हैं कि मीठा सुख है? हम ये नहीं कह रहे हैं सुख है, अभी तो सुख की बात नहीं कर रहे हैं। अभी ये कह रहे हैं कि अगर आपको मीठे का स्वाद पता है तो आपको मीठा खिलाते ही आप बोल दोगे मीठा है, या उसके पहले आपको मिर्चा खिलाएंगे तब पता चलेगा ये, तब मीठा खिलाएंगे तो आप बोलेंगे मीठा है? मीठा तो कभी भी खाएंगे, मीठा ही लगने वाला है। तो सुख तो भैया कभी भी मिलेगा, सुख जैसा ही लगेगा, उसके लिए दुख पाने की क्या जरूरत है? सुख तो सुख ही लगेगा, उसके लिए दुख पाके तब सुख मिलेगा, ऐसा कोई जरूरी नियम नहीं है। पर सबका सुख या सबका दुख सेम थोड़ी होता है, किसी और के लिए जो सुख है वो किसी और के लिए कुछ नहीं है। जैसे एक उदाहरण बताइए। जैसे उदाहरण कि कोई इंसान है तो वो छोटी जॉब करता है तो उसका पगार वगैरह कम है, तो उसको इच्छा है कि घर हो पर पक्का हो, ऐसी स्थिति है। और एक बड़ा सा सी है और उसकी इच्छा है कि अपना तो बड़ा बंगला होना चाहिए जिसमें 12-15 रूम हो, ऐसा सब कुछ लग्जरी लाइफस्टाइल, समथिंग लाइक दैट। तो दोनों ही क्या चाह रहे हैं? सुख तो चाह रहे हैं पर अलग अलग है ना। कहाँ अलग है? उसको छोटा चाहिए, उसको तो उतना ही है कि एक रूम का घर हो पर पक्का हो, ऐसा चाहता है। तो उसको तो उसमें कहाँ गड़बड़ है? वो भी घर से सुखी देखिए दोनों ही गलत लाइन पकड़े हुए हैं दोनों ही घर से सुखी होने का प्रयास करते हैं, एक छोटे घर से एक बड़े घर से। अब आप देखिए सुख कितना चाहिए? हाँ जी, सुख कितना चाहिए? बार बार पूछेंगे हम, सुख कितना चाहिए? एक्सट्रीम, मतलब हमेशा जितना मिल सके उतना। जितना मिल सके कि हमेशा? हमेशा। आप सभी बताइए सुख कितना चाहिए? हमेशा। और अगर हमने उसको आधार मकान बना लिया है तो मकान आपको हमेशा सुख देगा? एक और एग्जाम्पल है। रुक जाओ उसी पर रुको ना, एकाएक कई सारे एग्जाम्पल आएंगे दिक्कत होगी। मकान से आपको हमेशा सुख मिलेगा, आप कितना भी बड़ा मकान बना लें और जैसे ही उससे बड़ा कोई मकान देख जाएंगे, उससे सुंदर कोई मकान देख जाएंगे, आपका सुख गया। क्यों? क्योंकि हमने गलत जगह पर सुख ढूंढा ही था। अभी और इस पे आगे आएंगे। अगर किसी इंसान को ऐसे भूख लगी है और उसको हम कह रहे हैं कि चल भाई तू बहुत अच्छा खाना बना है और तू खा ले आके, और हम उसको तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक वो हम जितना ना कहे ना तब तक ना खा ले, तो खाना उसके लिए दुख हो जाएगा। तो हम वही कह रहे हैं कि सुख ये तो दोनों साइड हुआ ना, कि एक साइड दुख है तो एक साइड सुख है। हाँ, तो आप क्या है कि सारा जो सुख का मटेरियल है ना वो खाना में मकान में इसमें ले जा रहे हो। तो जैसे ही खाना मकान कपड़ा इन सब चीजों में हम जाते हैं तो ये जितनी जरूरत है उतनी ही चाहिए। आप समझ रहे हैं? खाना जितनी जरूरत है उतना ही चाहिए, मकान जितना जरूरत है उतना ही चाहिए, गाड़ी जितनी जरूरत है उतना ही चाहिए, सुख कितना चाहिए? पर तो और क्या सुख क्या है? और सुख क्या है? हाँ, उसी पे तो आ रहे हैं। अभी तो हमको लग रहा है वही सुख है। जबकि आपको सुख कितना चाहिए? हमेशा। तो अगर आपने मान लिया कि खाने से सुख मिलेगा तो खाना खाते रहिए हमेशा 24 घंटा 24 आवर खाना खाते रहिए, सुखी हो जाएंगे कि नहीं? दुखी होंगे ना। दुखी हो जाएंगे, इसका मतलब खाना में सुख? वही तो मैं कह रहा है कि खाने में सुख नहीं है। तो आप जो कह रहे हैं कि ये सुख की व्याख्या क्या है, सुख की व्याख्या वही आगे आ रहे हैं भैया, पूरी सभा के साथ चलना पड़ता है। पहले ये तो सेट हो जाए कि हमको सुख चाहिए। तो देखिए अभी हमने जितनी इनसे बात हुई है बहुत अच्छा संवाद किया इन्होंने। क्या नाम है आपका? जय। हाँ, तो जितनी बात हुई है उसमें क्या चीज की तरफ जा रहे हैं? हमने मान लिया है
सुविधा बराबर सुख, यह हमने मान लिया है, सुविधा बराबर सुख। और सुख कितना चाहिए? हमेशा। हमेशा का मतलब हर पल हर क्षण, इसी को बोलते हैं निरंतर। कॉन्टिन्यूअस हैप्पीनेस चाहिए हमको, निरंतर। सुख कितना चाहिए? निरंतर। अर्थात एक भी पल एक भी क्षण हम दुखी होना नहीं चाहते। आप जांच के देखिए, एक भी पल एक भी क्षण मैं दुखी होना नहीं चाहता। हमने मान क्या लिया है? सुविधा से ये मिलेगा। सुख कितना चाहिए? निरंतर। सुविधा कितना चाहिए? जब जरूरत हो तब चाहिए। जब जरूरत हो तब, निरंतर नहीं चाहिए। ये निरंतर करेंगे तो दुखी, और ये कम होगा तो दुखी, और हम दोनों चीजों का घाल मेल कर रहे हैं। क्या रॉन्ग नंबर लगा रहे हैं? ये निरंतर चाहिए ही नहीं। जब जरूरत हो तब चाहिए, जब भूख लगे तो खाना चाहिए, जब प्यास लगे तो पानी चाहिए, जब ठंडी लगे तो गर्मी चाहिए, जब गर्मी लगे तो ठंडी चाहिए, जब कहीं आना जाना है तो गाड़ी चाहिए, नहीं आना जाना है तो क्यों गाड़ी चाहिए। तो कुल मिलाकर के सुविधा जब जरूरत हो तब चाहिए, और सुख निरंतर चाहिए। इसमें अगर निरंतर नहीं है तो दुखी होंगे, इसको अगर निरंतर करने की कोशिश की है तो दुखी होंगे। हमने दोनों को मिला दिया है, ये गलत है। जय, ये गलत है। हमने मिला दिया, सुख हमको निरंतर चाहिए, हमको लगता है सुविधा से मिल जाएगा, और सुविधा तो हमको जब जितना चाहिए उतना ही चाहिए। आपको रसगुल्ला बहुत अच्छा है लगता है, मान लीजिए आपको रसगुल्ला बहुत अच्छा लगता है, तो आपको एक खिलाया, हाँ जी बहुत बढ़िया है, दो खिलाया, बहुत बढ़िया, तीन खिलाया, जी रहने दो, नहीं ये खाओ अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया, चार खिलाया, अब रहने दो, पांच खिलाया, अरे भैया बहुत हो रहा है, अरे आपको अच्छा लगता है खाओ, छह खिलाया, सात खिलाया, आप हमें हाथ पकड़ के दूर हटा देंगे, और अगर उसके बाद भी हम खिलाए तो आप हमको मारेंगे भी। क्या कर रहे हो? जबकि रसगुल्ला आपको पसंद है, हमको लग रहा रसगुल्ले में सुख है, तो ऐसा नहीं है। सुविधा बराबर सुख है ही नहीं, ये रॉन्ग नंबर है। कुछ सेट हुआ नहीं है तो पानी पूरी खा करके जो स्वाद आता है उससे जो महसूस ही होती है वो क्या बोलेंगे फिर? हाँ बहुत बढ़िया, वैलिड क्वेश्चन। वो सुख है कि नहीं है बताइए? पानी पूरी का, किसी को पानी पूरी अच्छा, ये तो अपना बता दिया, इनको पानी पूरी अच्छा लगता होगा। किसी को जलेबी अच्छी लगती होगी है? किसी को पाव भाजी अच्छी लगती होगी, किसी को चाउमीन अच्छा लगता होगा। तो अब उसको खाया तो जो मिला वो सुख है कि नहीं है बताइए? लड्डू खाया, रसगुल्ला खाया, उससे जो मिला वो सुख है कि नहीं है? हाँ वो तो सुखी है। तब लिया जाए मजे से। तो लिया जाए, क्या दिक्कत है? बढ़िया। तो एक्चुअली पानी पूरी खाया, रसगुल्ला खाया, कचौरी खाया, जलेबी खाया, ठीक है, इसमें सुख भासता है, सुख है ही,
लेकिन हमको कितना चाहिए? हमेशा निरंतर, निरंतर चाहिए। अब अगर हमको लग रहा है कि पानी पूरी से मिलेगा तो खाते रहिए निरंतर पानी पूरी। तो सुख है लेकिन उसमें निरंतरता नहीं हो सकती, सुख है लेकिन उसकी निरंतरता नहीं हो सकती। तो इसको एक नाम दिया, क्षणिक सुख, मोमेंट्री हैप्पीनेस। उस क्षण आपको सुख मिलेगा लेकिन आप उसको बढ़ा नहीं सकते। लेकिन आपको चाहिए कितना? निरंतर। तो आप उसको बढ़ा नहीं पा रहे हैं, तो क्या करेंगे? बढ़ा नहीं पाएंगे तो दो शब्द आते हैं कि मैं उसमें बहुभोग और अति भोग में जाता हूं। बहुभोग और अति भोग में जाता हूं। हमने अगर मान लिया है आहार से सुख होगा, निद्रा से सुख होगा, भय से सुख होगा, प्रजनन से सुख होगा, तो हम इसकी वैरायटी और क्वांटिटी में जाते हैं। या तो वैरायटी में जाते हैं, बदल बदल के करते हैं, डिश बदलते हैं, मेनू बदलते हैं, होटल बदलते हैं, आज होटल में खाते हैं, वहां खाते हैं, आज गुजराती खाते हैं, कल पंजाबी खाएंगे, परसों मारवाड़ी खाएंगे, तो क्या करेंगे? वैरायटी में जाएंगे या क्वांटिटी बढ़ाएंगे। जो अच्छा लग गया उसको थोड़ा दबा के खा लिया लेकिन वो भी सीमा है, दबा के भी कितना खाएंगे, उससे आगे नहीं खा पाएंगे। लेकिन निद्रा में, मतलब आराम वाली चीजों में। हाँ जी भैया जी, मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मेरी आवश्यकता पूर्ति होती है तो दीदी थोड़ा माइक और मुंह के पास मैं हाँ। आवाज नहीं आ रही, अभी आवाज आ रही है? हाँ आ रही। मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब मेरी आवश्यकता की पूर्ति होती है तो मुझे सुख की प्राप्ति होती है, लेकिन अगर वो लालसा बन जाती है तो मुझे दुख की प्राप्ति होती है? हाँ, मतलब इसी को दूसरे तरह से कह रहे हैं, आवश्यकताएं पूरी होती हैं तो मैं सुखी तो होता हूं, लेकिन जितना सुख मैं चाहता था उतना मिला नहीं, तो मैं उसी की वैरायटी क्वांटिटी में चला जाता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे उसके अलावा कोई तरीका ही नहीं आज तक पता चला। आहार, निद्रा, भय, प्रजनन के अलावा कोई तरीका हमको पता नहीं चला, तो मैं उसी में सुख को बढ़ाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मैं निरंतर सुख चाहता हूं। तो मैं निरंतर सुख चाहता हूं तो मेरे पास आहार, निद्रा, भय, प्रजनन है, मैं इसी में बढ़ाने की कोशिश में लग गया हूं, इसी की वैरायटी और क्वांटिटी में जाता हूं। इसी की वैरायटी में निद्रा, निद्रा मतलब आराम, कितना आराम, तो ये वाला मकान, वो वाला मकान, तो मकान बनाया, बढ़िया बेडरूम बनाया, उसमें मोटे गद्दे लगाए, उसमें एसी लगाया, सब लगा के देख लिया, नींद आता ही नहीं, नींद की गोली खानी पड़ती है। भैया आराम के लिए, विश्राम के लिए हम बढ़िया मकान बनाए, उसमें बढ़िया बेडरूम बनाए, उसमें बढ़िया तापमान नियंत्रित कर लिए, मोटे गद्दे लगा दिए, सब कर लिया, अब नींद ही नहीं आ रही है, अब क्या करें? अच्छा, आहार से सुखी होने का प्रयास, तो हमको लगता है कि जो पैसे वाले होते हैं वो खाना बहुत तरह का खाते हैं, तो हमको भी क्या है, उससे सुखी हो जाते हैं, तो हमको भी खूब पैसा चाहिए जिससे हम भी खाना बहुत तरह का खाएं और हम सुखी हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, खूब पैसा कमाएंगे, खूब पैसा कमा के जैसे ही इकट्ठा किया वैसे ही डॉक्टर बोलेगा, देखो जी आपको साग रोटी खाना है हाँ, और कड़े बिस्तर पे सोना है डॉक्टर बोल देगा कड़े बिस्तर पे सोना है, और क्या करना है, एसी तो बिल्कुल नहीं चलाना है, नहीं तो आपके गांठ में दर्द हो जाएगा सारा मेहनत किया जिस एसी के लिए, जिस मोटे गद्दे के लिए, जिस वैरायटी के खाने के लिए, पता चला कि वो जुटाने के बाद वो हमको मिलेगा ही नहीं। तो एक्चुअली उसकी गड़बड़ी क्या थी कि हमको लग गया था कि आहार से, निद्रा से हम सुखी हो जाएंगे, तो हमने कुछ मान लिया था। हमारे एक मित्र हैं तेजपुर यूनिवर्सिटी में, फिजिक्स के प्रोफेसर हैं, तेजपुर असम में है, तो वहाँ पर मैं जाता हूँ उनके यहाँ, तो उनको यूनिवर्सिटी 5 कमरे का मकान दिए,
बहुत ही प्योर यूनिवर्सिटी है वो, एकदम शुद्ध वातावरण में, मतलब देश में जो स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ था तो पिछले लगातार 2 सालों से एक कैंपस के रूप में सबसे स्वच्छ कैंपस उसको माना जाता है। तो उसके अंदर उनको 5 कमरे का मकान मिला है रहने के लिए। अब वो शादी किए ही नहीं है, क्योंकि वो जिस मान्यता को लेकर के आ रहे हैं उस मान्यता में उनकी माता पिता ने ही मना कर दिया कि आपको शादी नहीं करना, नहीं किए और 5 कमरे मिले हैं। अच्छा, जिस मान्यता को लेकर के आ रहे हैं उस मान्यता के बहुत सारी जगह इकट्ठे हो जाएं, खड़े हो जाएं असम के अंदर, उसके लिए वो बहुत मोटरसाइकिल चलाए तो उनको स्पॉन्डिलाइटिस हो गई है। अब देखिए 5 कमरे मिले हैं, शादी हुई नहीं है, उन 5 कमरों का क्या करें? तो पता चला 1 कमरे में केवल 2 चप्पलें रखी रहती हैं। फिर बढ़िया कमाते हैं, आप जानते ही हैं, असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर हैं, डीन हेड हैं, अब उनको तनख्वाह भी 1.5-2 लाख मिलती होगी, लेकिन खर्चा भी नहीं है, शादी नहीं हुआ है, 4 भाई बहन हैं, सब कमाते हैं, तो उनका कोई जिम्मेदारी भी नहीं है किसी की, तो पैसा भी खूब है, लेकिन चटाई पे सोते हैं। क्यों? क्योंकि स्पॉन्डिलाइटिस हो गया। तो भैया सुविधा जुटा लेने से हम सुखी हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि सुख को हमने शरीर से जोड़ दिया, जो शरीर को अच्छा लगेगा वो सुख है। तो कोई जरूरी नहीं, आप ऐसा नहीं है कि आप बीमार होकर आप दुखी रहेंगे। अगर आपको समझ हो गई है सुख क्या है, वो पहचान में आ गया है, तो आप बीमार होकर दुखी होंगे कोई जरूरी नहीं है। मेरा गला 2 दिन से खराब है, मैं बात कर ही रहा हूं, मुझे अच्छा भी लग रहा है, लोग इंतजाम कर ही दिए हैं काढ़ा का गर्म पानी का, तो ये मुद्दा ही नहीं। हाँ, क्षणिक सुख, ये सब तो क्षणिक सुख है, तो वास्तविक सुख क्या है? 8 दिन 7 दिन का शिविर करोगे 2 ही दिन का? तो भैया धीरे धीरे सब आएगा, शुरू मैंने किया है तो जिम्मेदारी मेरी है, आगे सब आएगा। वास्तविक सुख क्या है पहले ये तो पता चल जाए। बहुत लोगों को तो इस शिविर में आके पता चलता है कि मैं सुख चाहता हूं। हाँ, लोग बताते हैं कि मुझे इस शिविर में आके पता चला कि मैं सुख चाहता हूं, उसके पहले पता ही नहीं था। अच्छा, फिर उसमें से बहुत सारे लोग होते हैं जिनको इस शिविर में आके पता चलता है कि निरंतर सुख चाहिए। पर मैं क्या कह रहा हूँ वो तो बाद में आएगा, चलो कोई वांदा नहीं, पर मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूँ कि आपने जो अभी कहा कि अति भोग बहु भोग अपने शरीर में, तो बिना शरीर के आप सुख कैसे ग्रहण करोगे? आप अभी पानी पी रहे हो तो आपको कुछ हुआ है तभी, कुछ प्यास लगी है, कुछ गले में है, कुछ तभी पी रहे, बिना शरीर के आप कैसे सुख को ग्रहण करेंगे? तो जब आप सुखी होते हैं तो शरीर के कौन से हिस्से में आपको सुख महसूस होता है? कोई हिस्सा थोड़ी ना होता है, वो तो अंदर से आता है। कहां अंदर से? पेट से, हार्ट से, पैर से, घुटने से? जो आपने कहा था सम्मान जहां से आता है वहां से सुख, वहां से। हाँ, तो इसका मतलब सुख कोई शरीर से अलग चीज है कि नहीं है? हाँ, तो पर अभी के जो चल रहा है कि आहार निंद्रा भ्रय प्रजनन सब, तो हम इससे बाहर कैसे आएंगे? हाँ, तो कुल मिला करके मानव के पास शरीर है ही, और शरीर की आवश्यकताएं हैं, और शरीर में 5 इंद्रियां हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। कान से हम शब्द सुनते हैं, त्वचा से कोई स्पर्श करते हैं, आँख से कोई रूप देखते हैं, जीभ से कोई रस लेते हैं, और नाक से कोई गंध लेते हैं। उस गंध से हम कुछ समझने की कोशिश करते हैं, वो गंध लेने रस लेने के लिए नहीं है, वो समझ के, इसीलिए उनको बोला ज्ञानेंद्रियां, इनसे हमको ज्ञान होता है। तो एक्चुअली अभी तो मैं मोमेंट्री हैप्पीनेस पे टिका था, तो अभी हमको क्या है, शरीर के इंद्रियों से जो भी सुख मिलता है वो मोमेंट्री है, क्षणिक है। क्यों? क्योंकि इंद्रियां भी सीमित ही हैं, इंद्रियां असीमित सुख ले भी नहीं पाएंगी,
क्योंकि अगर मान लीजिए असीमित लेने का प्रयास करेंगे तो बीमार हो जाएंगे या एक उम्र के बाद शरीर छूट जाएगा, ठीक है। तो इंद्रियों के माध्यम से सुख लेने का प्रयास, इसको क्षणिक सुख बोला। उसके अलावा कुछ सुख होते हैं जो लंबे समय तक हमारे पास बने रहते हैं, उसको बोला दीर्घकालिक सुख, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस। जैसे जैसे आपका जन्मदिन हुआ, शादी हुआ, कोई संबंध आप ठीक से जी पाए, उसका सुख आपके पास लंबे समय तक रहता है, सोच सोच के सुखी होते हैं। किसी संबंध को अगर आप तालमेल पूर्वक जी पाए हैं तो वो सुख आपके पास थोड़ा देर तक रहता है, वो जिलेबी का सुख जिलेबी के साथ खत्म हो जाता है, लेकिन जो संबंध का सुख है वो थोड़ी देर तक आपके साथ बना रहता है। पर क्या ये सही है कि सोच के सुखी रहना, वो सोच के सुख पाने का कि भाई चलो भाई मैं मून पे आ गया, मैं सुखी हो गया भाई? अरे तो सुख तो सोच ही है और क्या है। तो पर कुछ महसूस तो होना चाहिए ना। महसूस तो महसूस क्या है, सोच विचार ही है और क्या है। सुखी हम विचार में ही होते हैं और सुख एक भाव है। हाँ जी, अभी उस पे आ रहे हैं कि सुख क्या है, अभी ये प्रश्न नहीं आया है, अभी मैं इसका उत्तर भी नहीं दे रहा हूं कि सुख क्या है। अभी तो मैं ये सेट कर रहा हूं कि सुखी होना चाहते हैं कि नहीं होना चाहते हैं। हमेशा चाहते हैं, हमेशा होना चाहते हैं, तो हमेशा सुखी होना चाहते हैं। जो सुखी होने के तरीके हमने अपनाए हैं उससे हमेशा सुख की संभावना दिखती नहीं है। हमने अगर आहार को सुख होने का तरीका बनाया है तो क्या उससे हमेशा सुखी हुआ जा सकता है? नहीं। अगर हमने निद्रा को सुख होने का तरीका बनाया है तो क्या उससे सुखी हुआ जा सकता है? नहीं। अगर हमने भय को तरीका बनाया है तो क्या उससे हमेशा सुख मिलेगा? नहीं। हमने प्रजनन को, मैथुन को अगर सुखी होने का तरीका बनाया है, क्या उससे हमेशा सुख होगा? नहीं। तो अभी हमने जो तरीके बना के रखे हुए हैं, आहार, निद्रा, भय, प्रजनन, इससे और हमको सुख चाहिए निरंतर, इससे सुख की संभावना नहीं है। अभी बात को यहीं पर टिका के रखे हैं। आपका प्रश्न है कि सुख क्या है, वो तो अभी आया ही नहीं है। आपने क्षणिक सुख की बात की इसलिए मैंने कहा, आपने हाँ। पहले क्षणिक सुख भी कहा नहीं था, आपने कहा था कि इसमें ही सब कुछ सुख है, तो मैंने कहा कि भाई ये तो थोड़ा बढ़िया लग रहा है। बढ़िया, तो क्षणिक सुख है, आहार, निद्रा, भय, प्रजनन में क्षणिक सुख है। जैसे इन्होंने कहा कि पानी पूरी खाया, उसमें सुख है कि नहीं है? है, लेकिन उतने से हमारा काम चलता नहीं है। हाँ, अगर 100-150 खा लेंगे तो कुछ और भी हो सकता है। हाँ, तो इसका मतलब उसमें है ही नहीं है। इसका मतलब जितना सुख हमको चाहिए उतना सुख रसगुल्ले में नहीं है, पानी पूरी में नहीं है। लेने का प्रयास करेंगे तो हम परेशान हो जाएंगे, डॉक्टर के यहाँ आना पड़ेगा, हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। कर रहे हैं अभी अभी, ज्यादातर बीमारियां किसकी हैं, न खाने की हैं या खाने की हैं? अभी ज्यादातर बीमारियां जो हो रही हैं वो ज्यादा खाने की हो रही हैं कि न खाने की हो रही हैं? ज्यादा खाने की। तो अभी खा के परेशान हैं और हॉस्पिटल जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमको लग रहा है उससे सुखी हो जाएंगे, उससे सुखी हो जाएंगे, उससे सुखी हो जाएंगे, तो उसकी वैरायटी क्वांटिटी में जाते हैं। आज पूड़ी बनाओ, कल समोसा बनाओ, परसों जलेबी बनाओ, खाओ दबा के। डॉक्टर बोलेगा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, लो। कोलेस्ट्रॉल क्या चीज है? खून के अंदर की गंदगी। हमने ऐसी ऐसी चीजें खा ली हैं जो गंदगी, अच्छा वो गंदगी निकल नहीं रही है। गंदगी क्यों नहीं निकल रही है? क्योंकि मेहनत करना दुख का काम बताया भाई। खून की गंदगी पसीने से निकलती है। हाँ जी, आपका ध्यान जा रहा है? जो खून के अंदर गंदगी जमा है उसके निकलने का एक ही रास्ता है, पसीना। हम उसको निकलने नहीं दे रहे। कहां पसीना निकलने दे रहे? आजकल जिम में भी जाते हैं तो जिम भी एसी लगा हुआ है।
तो शरीर की सफाई के तीन तरीके हैं, मल, मूत्र और पसीना, इन्हीं तीन से शरीर की सफाई होती है। हमने तीनों बंद कर रखा है, अब पसीना तो बंद कर रखा है, मल मूत्र आता ही नहीं है, ऐसी ऐसी चीजें खाते हैं। तो कुल मिला के बात क्या निकली, मतलब मेरा वो समीक्षा करने का वो नहीं था मन, बात क्या निकली, आहार निद्रा भय प्रजनन से क्षणिक सुख होता है, हम उसको बढ़ाना चाहते हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि हम निरंतर सुख चाहते हैं। इसको बढ़ाने के लिए हम वैरायटी और क्वांटिटी में जाते हैं, और उसी में हमने धरती का और मानव का और संबंध का कबाड़ा कर दिया, अपराध हमने कर दिया वैरायटी क्वांटिटी में जाकर के, धरती के साथ अपराध कर दिया, मानव के साथ अपराध कर दिया। चाहिए क्या था सुख, कौन सा, निरंतर। हमको लगा कि हम ढूंढने किस में लगे, अनिरंतर चीजों में। तो अभी केवल इतनी बात हुई है कि सुविधा बराबर सुख है, लेकिन जितना हम चाहते हैं उतना सुविधा में सुख नहीं है। तो आगे क्या कार्यक्रम निकल के आएगा कि सुविधा पाने का कार्यक्रम अलग है और सुखी होने का कार्यक्रम अलग है। पर आपने आपने अभी जो कहा क्षणिक सुख, चलो सही है क्षणिक सुख है, पर अभी अभी एक अभी गरीब इंसान है एक अमीर इंसान है, दोनों को लॉटरी लगती है, दोनों को सेम प्राइस की लगती है, दोनों को एक एक लाख की लगती है लॉटरी, पर गरीब इंसान है वो बहुत खुश होता है कि भाई एक लाख की, एक लाख की, एक लाख की, और उसको तो जाए तब सुखी होता है जब उसको 50 लाख की या करोड़ रुपए की लॉटरी लगती, और वो बेचारा दुखी बैठा कि लॉटरी के पैसे भी गए। तो वो सुख क्षणिक होगा कि वो निरंतर होगा? पर गरीब का तो सुख जब तक उसके 1 लाख रुपए चलेंगे तब तक तो सुख है ना। तो टाइम होगा कि निरंतर हो जाएगा? टाइम, बात खत्म हो गई। उसके बाद 2 लाख की लॉटरी की चिंता करेगा वो? 2 लाख वाली लग जाएगी तो 4 लाख की चिंता करेगा? सुखी हुआ उसे 1 लाख से? क्षणिक ही है। क्षणिक का मतलब ये नहीं है कि एक मिनट का, अगर 10 साल जो सुखी कह रहे हैं ना वो भी लगातार नहीं रहता। जैसे ही 1 लाख उसके घर में आएगा उसके साथ ही भय उसके घर में आएगा, असुरक्षा आएगी। उसके बाद उसे ले 1 लाख का कैसे बंटवारा करें परिवार के अंदर, वो उसके अंदर दुख आएगा। तो आप जब उसके अंदर जाओगे ना तो आपको पता चलेगा वो कितने तरह के दुख लेके आया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको गरीबी रहना चाहिए, सुखी तो हो गया। ये नहीं कह रहा हूँ गरीब थोड़ी, हम कह रहे हैं गरीब रहिए। हाँ तो गरीब लोग होते वही दुखी होते। सुविधा भी चाहिए और सुख भी चाहिए, ये नहीं कह रहा सुविधा नहीं चाहिए, ये यहां से कहा ही नहीं जा रहा कि सुविधा नहीं चाहिए। केवल इतनी बात कही जा रही है कि सुविधा की अपनी औकात है कि जब जरूरत हो तभी चाहिए, सुख की अपनी औकात है कि इसको निरंतर चाहिए। हमने क्या किया है, हमको लग रहा है सुविधा से ही सुखी होंगे। तो जो गरीब है उसको अगर ये बात पता चल गई कि सुविधा चाहिए कब, जब जरूरत हो, तो इसलिए सुविधा सीमित मात्रा में चाहिए और सुख हमेशा चाहिए, तो दोनों कार्यक्रम में लग पाएगा, वो केवल सुविधा के होड़ में नहीं पड़ेगा। तो ये सुविधा और सुख तो अलग है। लो इतना देर से तो यही बात हो रही है। हाँ तो मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हाँ तो जहाँ सुविधा होगी तो वहां सुख नहीं हो सकता है? आप पूछ लीजिए जिनके पास सुविधा हो ज्यादा। इसी देश में एक परिवार के पास 7-750 करोड़ की संपत्ति थी, और जब दो भाइयों में बंटवारा हुआ तो दोनों लोगों में लड़ाई हो रही थी, पट नहीं पा रहा था। माँ बीच में बैठी, उनके गुरुजी आके बैठे, तब भी दोनों संतुष्ट नहीं हुए। अब उनसे ज्यादा अमीर कोई होगा, वो सुखी थे क्या? तो आप जांच लीजिए जिनके पास सुविधा है वो सुखी हो गए हैं क्या, इसको तो आसानी से जांचा जा सकता है। ये तो बहुत आसानी जांचा जा सकता है कि जिनके पास मैक्सिमम सुविधा हो गई है क्या वो मैक्सिमम सुखी हैं? इसका 2-3 एग्जाम्पल देते हैं। इस देश में सबसे बड़ा पद माना जाता है IAS का पद, क्योंकि वही देश का चीफ सेक्रेटरी हो सकता है
और देश के चीफ सेक्रेटरी को ही सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है, मतलब ये ब्यूरोक्रेटिक पैनल में, डेमोक्रेटिक पैनल में राष्ट्रपति को मिलती है। तो उसमें क्या है, तो आईएएस सबसे बड़ा पद है, और इसी देश में पिछले साल की घटना है, गाजियाबाद में मैं रहता हूँ, हालांकि उसकी खबर तो पूरे देश में गई थी। एक जिलाधिकारी बक्सर जिले का, बिहार का, और वो आता है दिल्ली में, एक कमरे में होटल में रुकता है और अपनी वीडियो बनाता है, उसमें बताता है कि मैंने बहुत मेहनत किया अपने इस पद को पाने के लिए, इस पद को पाने के पास मेरे पास पैसे भी बहुत सारे आए, लेकिन मैं अपनी पत्नी और अपनी माँ के बीच में समन्वय नहीं बना पा रहा हूँ, और मुझे लगता है ये समन्वय बन भी नहीं पाएगा, इससे मैं बहुत दुखी हूँ और अब मेरी जीने की इच्छा खत्म हो गई है। और वो जाता है उसके बाद गाजियाबाद में रेलवे की पटरी पर, अपने को सुला देता है, ट्रेन गुजर जाती है। उसको तो सुखी हो जाना चाहिए था। हाँ, तो मतलब संबंध सुख हुआ ना? तो संबंध में सुखी नहीं हो पाया, संबंध समझ में नहीं आया तो सुखी नहीं हो पाया। सुविधा थी कि नहीं थी उसके पास? हाँ, तो अगर उसके पत्नी और माँ के संबंध अच्छे होते तो वो सुखी होता? तो ये कल्पना हो गया ना, अच्छे होते हो, हुए नहीं ना, तो संबंध वाला मामला आ गया ना। संबंध में सुख है, सुविधा में नहीं है तो पता चला, पहली चीज। अभी आपने प्रश्न क्या किया था कि सुविधा जिनके पास है वो सुखी है कि नहीं है, उस पर मैं बात कर रहा हूँ। दूसरी घटना, इस देश में एक व्यवसायी जो कि आजकल लंदन में रहते हैं, काफ़ी बड़े व्यवसायी, कलकत्ता के लॉर्ड स्वराज पॉल, उनका बेटा पिछले 2 साल पहले लंदन में 8वीं मंजिल से छलांग लगा के आत्महत्या कर लिया। उसको सुविधा की कमी थी, क्या नहीं था उसके पास? मकान नहीं था, कि गाड़ी नहीं था, कि बंगला नहीं था, कि एसी नहीं था, क्या नहीं था? तो कुल मिला के भैया, सुविधा जरूरी है, सुविधा आवश्यक है, लेकिन इससे सुखी होने का प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं जाकर के आप झटका खाएंगे, क्योंकि इसका सुख स्वभाव नहीं है, ये सुविधा है, जरूरत पे चाहिए। भूख लगे तो खाना चाहिए, गर्मी हो तो ठंडी चाहिए, ठंडी हो तो गर्मी चाहिए, कहीं आना जाना हो तो गाड़ी चाहिए। इसको आप निरंतर नहीं बना के रख सकते, लेकिन सुख आपको निरंतर चाहिए। इसका मतलब सुविधा में सुख नहीं है का मतलब हम जिस सुख की निरंतरता चाहते हैं वो सुविधा में नहीं है, लेकिन सुविधा चाहिए। अब किसी को रोटी नहीं है, अब आप बोलिए जी सुख होता है, कैसे होता है, समझ से होता है, कैसे होता है, एक शिविर में जाना पड़ता है, वहाँ बात होती है, हमको तो भूख लगी है, कोई बात नहीं आओ समझाते हैं, अरे हमको भूख लगी है, कोई बात नहीं आओ समझाते हैं। तो भैया भूख लगी है तो खाना चाहिए पहले। तो सुविधा, अब इसको उल्टा भी सही है तो इसका सूत्र क्या बनेगा, सुविधा में सुख नहीं है, सुविधा में सुख नहीं है, और इसका उल्टा भी सही है, सुख में सुविधा नहीं है, यानी सुख से, ऐसे करिए, सुविधा से सुख नहीं और सुख से सुविधा नहीं। हाँ जी, मुझे बहुत ज्ञान हो गया, मैं बहुत ज्ञान संपन्न हो गया और एकदम निरंतर सुख में रह रहा हूँ, हर क्षण सुख में रह रहा हूँ, अब मेरे मुंह में खाना अपने आप आएगा और मुझे बस जब नींद लगेगी तो बिस्तर अपने आप आएगा, मुझे जब नींद लगेगी तो हवा अपने आप चल देगी, ठंडा हो जाएगा, ऐसा होगा? नहीं होगा। तो सुविधा का कार्यक्रम अलग है, सुख का कार्यक्रम अलग है। सुविधा के लिए श्रम करना पड़ता है और सुख के लिए समझना पड़ता है। तो सुख एक्चुअली जो हम दीर्घकालिक या निरंतर सुख कह रहे हैं, ये समझ से आती है। अगर समझ नहीं हुआ तो सुविधा चाहे जितना हो जाए आप निरंतर सुखी नहीं हो सकते। तो जो कह रहे थे क्षणिक सुख, तो एक क्षणिक सुख होता है, एक दीर्घकालिक होता है, एक निरंतर होता है। तो क्षणिक सुख सुविधाओं में मिलता है, सुविधाओं में क्षणिक सुख मिलता है, संबंधों में जी करके दीर्घकालिक सुख मिलता है, लेकिन जब कोई चीज की हमको स्पष्टता हो जाती है, कोई समझ हमें हो जाती है, वो सुख हमेशा मेरे में बना रहता है, वो जाता ही नहीं है। जिस दिन आपको ब्रह्मांड समझ में आ गया, सौर मंडल समझ में आ गया, जिस दिन आपको दिन रात क्यों होता है समझ में आ गया, अब वो समझ आपसे कहीं जाता है?
नहीं जाता है, बना ही रहता है, उसका सुख भी आपके साथ बना रहता है। आप दिन रात होने से परेशान नहीं होते, घबराते नहीं, आपको पता है सूरज है, धरती है, धरती अपने अक्ष पे घूमती है, तो जब सूरज की तरफ जाती है तो दिन हो जाता है, जब पीछे जाती है तो रात हो जाता है। तो आप दिन रात से घबराते नहीं, आप उस सुख के साथ बने रहते हैं। आपको पता है कि सूरज के चारों तरफ भी धरती घूमती है, इस घूमने में कभी सूरज के करीब आती है, कभी सूरज से, क्योंकि घूमती ऐसे है तो कभी सूरज के करीब आती है, कभी दूर जाती है। जब दूर जाती है तो ठंडी जिस हिस्से में पड़ती है, जब नज़दीक आती है तो अब ये समझ हमको हो गया तो हम अब ठंडी गर्मी देख के बहुत परेशान नहीं होते, हम उस सुख के साथ बने रहते। कुल मिला के जो जो आपको स्पष्टता होती जाती है वो सुख आपके पास बना ही रहता है। ऐसा करते 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 आपको जब पूरा ज्ञान हो जाता है, पूरी समझ हो जाती है, पूरी स्पष्टता हो जाती है, तो आपके निरंतर सुखी होने की संभावना बन जाती है। तो समझ से जुड़ा हुआ है सुख का मामला, सुख का मामला सुविधा से नहीं जुड़ा हुआ है, इतनी बात है। अभी इसमें यह उत्तर नहीं आया है कि सुख क्या है, अभी हम केवल यह देख रहे हैं कि सुख कितना चाहिए, सुख क्या होता है ये नहीं अभी देखें, अभी वो आगे आएगा। हाँ जी, तो अभी हमने कार्यक्रम क्या निकाला है, सुख को बढ़ाने का और दुख को घटाने का। तो चूंकि हमको अब तक पता नहीं था कि सुख को बढ़ाना है तो हम दुख को घटाने का कार्यक्रम किए रहते हैं, तो दुख को घटाने का मतलब ही है सुख को बढ़ाना। अब इसको हम बढ़ा तो लेते हैं लेकिन संभाल के नहीं रख पाते, क्यों, क्योंकि निरंतरता चाहिए। अब हम बहुभोग अतिभोग करेंगे तो सुख को बढ़ा तो लेंगे लेकिन बहुभोग अतिभोग भी कितना करेंगे, इसलिए वो जाकर के एक समय पर टूट ही जाता है, फिर हम दुखी हो जाते हैं। ऐसा मामला है। हाँ, सुविधा से निरंतर सुख नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, इसीलिए सुख निरंतर करके बीच में काट दिया है। नहीं नहीं, ये नीचे वाला सूत्र में सुविधा से निरंतर सुख नहीं है। एक्चुअली जब आप सुख हम बोलेंगे तो निरंतर ही उसको बोलेंगे। क्योंकि जब एक बार पता चल गया कि हमको निरंतर सुख चाहिए तो अब जब जब भी हम सुख बोलेंगे तो उसका मतलब निरंतर सुख ही बोल रहे हैं। अच्छा है आपका करेक्शन कि ये लिखा जाए कि सुविधा से निरंतर सुख नहीं है। तो सुविधा में सुख भासता है नहीं, होता तो बने रहना चाहिए, बने रहना चाहिए ना, क्यों खत्म हो जाता है। जैसे मेरी गाड़ी ने मुझे सुख दिया लेकिन किसी दूसरे की गाड़ी देख लिया तो हमारा सुख, उससे बड़ी गाड़ी, उससे चमचमाती, तो हमारी गाड़ी अब हमको दुख दे रही है। गाड़ी वही है, उतना ही लोहा लगा है, वही इंजन जो पहले था वही है, लेकिन अब वही गाड़ी हमको दुख दे रही है। तो गाड़ी नहीं बदली है, मेरी मानसिकता बदली है, मेरी समझ बदली है, मेरी समझ में कुछ आया नहीं है। हाँ जी, दे दीजिए माइक जय को। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि समझ और संबंध ही सुख है। हाँ, अगर हम समझे नहीं हैं और हम संबंध में तालमेल पूर्वक जीने का, संबंध में तालमेल पूर्वक जीना भी हमको समझ से ही आएगा क्योंकि संबंध को भी समझना पड़ता है। तो अगर हम समझे नहीं हैं और संबंधों में तालमेल नहीं है तो हमारे सुखी होने की संभावना नहीं है। होंगे लेकिन फिर वही होंगे, दुखी हो के सुखी होंगे। क्या होंगे? दुखी हो के सुखी होंगे और दुखी हो के सुखी होने के प्रयास में लगे रहेंगे। तो हम तो चलो समझ गए, बहुत अच्छा समझ गए। अब कोई भी आएगा हम ऐसे ही समझे रहेंगे, पर सामने वाला अगर ना समझता हो तो हम क्या करेंगे? उसको भी समझ देनी पड़ेगी। आप समझ सकते हो, दूसरा नहीं समझ सकता है। आप अगर समझ सकते हो तो दूसरा समझ सकता है कि नहीं? जैसे मैं समझ गया था कोई चीज को
तो मैं अपना दिल्ली में पढ़ा रहा था, क्या जरूरत थी यहाँ आके इतने लोगों को बिठा के और दिन भर बोलने की। दिनेश भाई गए थे, दशरथ भाई गए थे, ये लोग गए कहीं शिविर में गए, अध्ययन में लगे, निकोरा गए, हापुड़ जाते थे भैया, तो इसमें लगा नहीं सबके पास क्यों, ये पता है दूसरा नहीं समझेगा तो हमारे ही समझने से कुछ नहीं होने वाला। ये शिविर क्यों हुआ? क्योंकि लग रहा है कि हमारे ही समझने से सब कुछ नहीं होगा, दूसरों को भी समझना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है, सबको समझना पड़ेगा। इसीलिए बोल रहे हैं कल से कि इसको शिक्षा में लाना पड़ेगा, क्यों, शिक्षा ही ऐसी मशीन है जिसके माध्यम से समझ सबके पास पहुंच सकती है। क्योंकि एक युवा, एक बालक अपने 20 साल का समय शिक्षा में लगाता है। अभी देखो, दो दिन बात हुई है, हमको अच्छा लग रहा है, हमको लग रहा है कोई समझ हो जाएगी। अगर इस तरह की बात एक पीरियड ही 20 साल तक हुई हमारे साथ, एक ही पीरियड, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स चलेगा, लेकिन एक पीरियड अगर इस पर भी बात होती रही 20 साल तक, आदमी समझ जाएगा कि नहीं समझ जाएगा? हाँ, पर ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारी समझ अलग हो और हमारी समझ कुछ डिफरेंट। बस, तो अभी एक मान्यता बनी हुई है, समझ अपनी अपनी, समझ अपनी अपनी। ऐसे ही हम बहुत सारे सूत्र समाज में फैला दिए हैं। जैसे पानी के बारे में आपकी समझ और मेरी समझ में क्या अंतर होगा, बताइए? आप ऐसा सोचते, मेरे पास पैसा है तो पानी में जितना वेस्ट कर सकता हूँ उतना करता हूँ। और अपने और कोई ऐसा भी सोचता है कि भाई पानी कम है तो अभी अपने वेस्ट नहीं करेंगे। हाँ, तो पानी से मतलब, मैं बोल रहा हूँ पानी एक वस्तु है जो पीने के काम आती है, ठीक है, अभी उपयोगिता को देखिए। तो पानी के बारे में ये समझ है कि जब प्यास लगती है तो प्यास बुझाती है। किसकी किसकी प्यास बुझाती है? सजीव चीजों की। हाँ, मेरी, पशु पक्षियों की और पेड़ पौधों की, ये समझ है। अब इसमें हमारे और आप में समझ में क्या भेद होगा? पर ये तो प्रिंसिपल है, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। तो बदलाव क्या होगा? तो उसमें कुछ बदलाव थोड़ी ना हो सकता है कि। तो भैया, तो जो समझ की बात कर रहे हैं ना, तो ट्रूथ की बात कर रहे हैं, सत्य की बात कर रहे हैं। समझना सत्य का होता है, असत्य को क्या समझोगे आप, कितना माथा खराब करोगे? तो समझना हमेशा सत्य का होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ का ही होता है, और उसमें कोई बदलाव नहीं होता। 2+2=4 होता है, मतलब दो चीजें और दो चीजें मिलके 4 चीजें होती हैं। अब इसमें मेरे और आपके समझ में क्या अंतर आएगा? नहीं, कोई अंतर नहीं। कुछ नहीं आएगा। तो भैया, समझ जो होती है ना, वो सबके लिए एक ही होती है, मान्यताएं अलग अलग होती हैं। जो आपने कह दिया मेरे पास पैसा है मैं पानी वेस्ट करूंगा, दूसरा बोलता नहीं जी पानी बचा कर रख। अब ये क्या है, आप कुछ मान लिए, आप कुछ मान लिए हैं, लेकिन पानी के बारे में समझ क्या होगा? कि पानी प्रकृति की एक अनुपम कृति है, प्रकृति में एक प्रकृति का, धरती का पहला रसायन है। वो पेड़ पौधों को चाहिए, वो पशु पक्षी को चाहिए, वो आदमी को चाहिए, और आदमी के शरीर में 70% पानी है। धरती पर भी देखेंगे तो 65-70% पानी है। तो पानी का धरती पे उपयोगिता है। पानी के बारे में जब भी किसी को समझ होगी तो इतना ही होगी, ये इसको समझ बोलते हैं। पर मैं संबंध की समझ की बात कर रहा हूं। हाँ, तो संबंध की समझ क्या होगी? संबंध में अगर समझ होगी तो क्या होगी? जैसे पति पत्नी एक संबंध है, या माता पिता पुत्र पुत्री एक संबंध है, मतलब माता पिता और संतान संबंध है, उस संबंध में सबकी अलग अलग क्या समझ होगी? तो माता पिता अपने संतान की एक जिम्मेदारी के साथ होते हैं। क्या जिम्मेदारी के साथ होते हैं? कि उनके शरीर का पोषण संरक्षण हो जाए और वो समझदार जिम्मेदार भी हो जाएं। संतान की क्या, संतान के बारे में क्या समझ है? कि जिस माता पिता ने उनके पोषण संरक्षण और समझदारी जिम्मेदारी के लिए काम किया है, उनके प्रति कृतज्ञता भाव से रह पाए। समझ होगी तो यही होगी। अब इसमें अलग क्या होगी, बताइए?
अब जो भी अलग होगी मान्यता होगी, भाई हिंदू धर्म में ये मानते हैं, मुस्लिम धर्म में ये मानते हैं, ईसाई धर्म में ये मानते हैं। भारत में तो बच्चों को अगर 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 माँ बाप ज़्यादा समय तक जी रहे हैं और बेटा बुजुर्ग हो रहा है और वो निकम्मा है तो उसको बुजुर्गावस्था तक पालते हैं। US में जाएंगे तो 14-15 साल बाद अलग ही कर देते हैं, जाओ तुम अपना देखो, हमको अपना देखने दो। अब ये क्या हो गया, अब ये अलग अलग जगह की मान्यता हो गई, ये समझ नहीं हुआ ना। ऐसा थोड़ी वहाँ अच्छा जी रहे हैं यहाँ खराब जी रहे हैं, या यहाँ अच्छा जी रहे हैं वहाँ खराब जी रहे हैं। तो कुल मिला के संबंध की समझ होगी तो सही ही होगी। तो चाहे संबंध की समझ हो, चाहे सुविधा की समझ हो, जब भी होगी तो सही को ही समझ बोलते हैं। जैसे 2+2=4 होता है, ये सत्य है, ये सही आंसर है। गलत आंसर कितने होंगे 2+2 के? 5। एक ही होगा गलत आंसर? बहुत सारे। गलत आंसर कितने होंगे 2+2 के? 4 के सिवा जो भी है। अनंत होंगे। सही आंसर क्या होगा? 4। 4 होगा। तो अगर 2 और 2 के 2+2 के मामले में हमारे आप में मिलना है, विचार मिलना है, तो क्या होगा? सही आंसर आपके पास हो और सही आंसर मेरे पास हो, तब दोनों मिल पाएंगे। आपके पास गलत वाला आंसर है, 2+2=6 होता है, और मेरे पास सही आंसर है, 2+2=4 होता है। अब हमारा आपका मिलाप होगा? नहीं होगा। आपके पास भी गलत आंसर है, 2+2=6, मेरे पास भी गलत आंसर है, 2+2=5। अब आपका हमारा मेल होगा? बहुत अच्छा। नहीं होगा। आप 6 के साथ डटे रहेंगे, मैं 5 के साथ डटा रहूंगा, कहां मेल होगा? तो भैया मेल के लिए सही आंसर सबके पास होना जरूरी है, वही बात कह रहा हूं। समझ होती है तो सही की होती है, गलत की क्या समझ होगी, भ्रम की क्या समझ होगी। और जब भी समझ होगी सही की होगी, तभी मानव एक धरातल पे आ पाएगा। अभी मानव इसीलिए एक धरातल पे नहीं है, पुरुष के बारे में अलग समझ हो गया, महिला के बारे में अलग समझ हो गया, हिंदू अलग समझ, मुस्लिम अलग समझ, ईसाई अलग समझ, जैन अलग समझ, बौद्ध अलग समझ, भारत वाले अलग समझ, ब्राह्मण अलग समझ, पटेल अलग समझ, US वाला, सब अपने अपने धरातल पे। कैसे एक धरातल पे आएंगे? फिर केवल गाना गा सकते हैं, मानव मानव एक है। गाना ही गा सकते हैं, एक तो दिखता ही नहीं है। बहुत अच्छा। तो क्या निकल के आया? कि मानव सही में एक, गलती में अनेक है। यहीं से सूत्र निकलता है, समझ अपनी अपनी नहीं है, मानव सही में एक। और गलती में अनेक है, अब जब तक सही पता नहीं है तब तक हम अलग अलग ही हैं, अनेक ही हैं। तो करना क्या है, कार्यक्रम क्या बनेगा? सब सही को पहचान जाएं, सब सही को पहचान जाएं, सब संबंध को पहचान। संबंध नेचुरल है कि अननेचुरल चीज है? मानव मानव संबंध और मानव प्रकृति संबंध, ये नेचुरल है कि अननेचुरल है? नेचुरल है। तो नेचुरल होगा तो कोई नियम होगा कि नहीं होगा? नियम होगा। उस नियम को हम पहचानते नहीं है, ये दिक्कत है। उस नियम को पहचान लेंगे तो हर मानव सही में एक हो जाएगा। इसीलिए तो कार्यक्रम है, इसीलिए शिक्षा है कि सब मानव सही को पहचान लें। सही में ही एक हो सकते हैं, गलत में एक हो ही नहीं सकते, और हम एक होने का जबरदस्ती प्रयास कर रहे हैं। सब अपनी अपनी मान्यता के साथ हैं और बोल रहे हैं जी एक हैं हम लोग, हो ही नहीं सकता। भाई आपके अनुसार गुजराती अच्छे होते हैं, मेरे अनुसार दिल्ली वाले अच्छे होते हैं, अब हम दोनों एक कैसे होंगे? एक हो ही नहीं सकते। तो देखिए, आहार के आहार निद्रा भय प्रजनन, इसके आधार पे हम एक नहीं हो सकते, क्योंकि आहार में विविधता रहेगी। गुजराती खाना और पंजाबी खाना में अंतर रहेगा।
अब उसमें हम एकता की कोशिश करेंगे, नहीं हो पाएगा। आपके आराम करने का तरीका और पंजाबी और हरियाणवी और उत्तर प्रदेश वाले के आराम करने का तरीका अलग होगा। भाई मैं गया था फरीदाबाद में शिविर लेने, एक गांव में, तो एक स्कूल था उसमें शिविर लेते थे। शाम को स्कूल में बाहर वो खाट बिछ जाती थी ऊंची वाली, और सब बैठ गए वहाँ, और फिर वहाँ का जो खान पान है वो शुरू हो जाता था। तो अलग है, अब उनका वो मजा है, आपका अलग मजा है। आपका तो जितना राह लगा हो, खाखड़ा फाफड़ा ठेपला ये सब चलेगा, आपका उसमें मजा है। अब उसमें हम एक होने की कोशिश करेंगे, कैसे हो पाएंगे? तो भैया आहार के मामले में हम एक नहीं हो सकते, निद्रा के मामले में एक नहीं हो सकते, भय के मामले में एक नहीं हो सकते, प्रजनन के मामले में एक नहीं हो सकते, तो रुचि के मामले में एक नहीं हो सकते। लेकिन जैसे ही मानव को समझने जाते हैं कि हर मानव सुखपूर्वक जीना चाहता है, चाहे वो गुजरात का हो, चाहे पंजाब का हो, चाहे हरियाणा का हो, चाहे दिल्ली का हो, हर मानव सुखपूर्वक जीना चाहता है और निरंतर सुखपूर्वक जीना चाहता है, उसके निरंतर सुख की प्यास है, उसको समझ नहीं आया है, उसको लग गया है कि सुविधा में ही सुख है, इसलिए सुविधा के ही जुटाने में अपनी जिंदगी खत्म कर देता है और मृत्यु तक उसको सुख नहीं मिलता, उसके बहुभोग अतिभोग में जाता है, बहुभोग अतिभोग में जाता है तो प्रकृति को भी बर्बाद करता है, मानव संबंध को भी बर्बाद करता है, खुद भी दुखी होता है, दूसरे को भी दुखी करता है। ऐसा सोचते हैं तो मानव समझ में आता है। मानव को गुजराती पंजाबी के हिसाब से समझने जाएंगे नहीं समझ सकते, मानव को पुरुष महिला के हिसाब से समझने जाएंगे नहीं समझ सकते, क्योंकि पुरुष भी सुख चाहता है, महिला भी सुख चाहती है, चाहते हैं नहीं चाहते हैं। ऐसा तो नहीं है पुरुष निरंतर सुख चाहते हैं, आप निरंतर सुख नहीं चाहते। हाँ जी, आप भी निरंतर सुख चाहते हैं नहीं चाहते हैं? आप भी चाहते हैं, पुरुष महिला का भेद ही नहीं है, सब निरंतर सुख चाहते हैं। कुछ पूछ रहे हैं? आप भी निरंतर सुख चाहते हैं, पुरुष महिला भी चाहते हैं। तो जब तक मानव के इंटेंशन को नहीं पहचाना जाएगा, चाहना को, अच्छा निरंतर सुख की संभावना है कि नहीं है? आपको क्या लगता है, निरंतर सुख की संभावना है? सभा से पूछ रहा हूं, क्या निरंतर सुख की संभावना है? ये कैसे आप कह रहे हैं कि है? भाई मेरी चाहना है, मेरी चाह है निरंतर सुख, इसकी संभावना है कि नहीं है? हाँ जी, बढ़िया। और बताइए, आपको कैसे लगता है कि निरंतर सुख की संभावना है, या केवल कल्पना में ही रह जाएगा, हमको नहीं मिलेगा? सुख और दुख एक मन की अवस्था ऐसा लग रहा है, और एक्सटर्नल सिचुएशन जब हमारे अनुकूल होती है तो हम सुखी होते हैं, जब अनुकूल नहीं होती है तो हम दुखी हो जाते हैं, पर दोनों मतलब पिटफॉल है, उसे डिटेच होना पड़ेगा हमको उसमें से बाहर निकलने के लिए। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि निरंतर सुख कोई रियलिटी है, आपको मिल पाएगा? नहीं, रियलिटी नहीं है, नहीं मिलेगा। वो हमने सुख भी डिफाइन किया कि ये सुख है और ये दुख है। अच्छा, नहीं मेरा प्रश्न ये था
क्या आपको लगता है कि आपको निरंतर सुख मिल पाएगा, कोई संभावना है? वो हमको, मतलब हमको ही क्रिएट करना पड़ेगा कि ये सुख है और ये दुख है। तो वही कह रहा हूं कि आपको क्या लगता है कि निरंतर सुख मानव को मिल पाएगा, इसकी संभावना है? हाँ, है। अगर हमारी समझ उस तरह की हो जाएगी तो वो हो पाएगा, संभावना है। ठीक है, और कोई, कैसे आपको लगता है कि निरंतर सुख की संभावना है? समझे बराबर प्रॉब्लम या जो भी सुख है और एक्सेप्ट करे तो वी विल बी हैप्पी फॉरएवर। हाँ, तो मेरी इच्छा में है कि मुझे निरंतर सुख चाहिए। ठीक, तो अभी तक क्या है? हाँ जी, और कोई? जी, हम कोई भी कार्य करें तो हमें पता होना चाहिए कि इसमें सुख मिलता है कि नहीं। आपको समझदारी होनी चाहिए हमको। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि निरंतर सुख मिलने की संभावना है? है, है। कैसे? हमको समझना चाहिए कि इसमें सुख मिलता है। समझ से आ जाएगा। ठीक है, मिल सकता है जी। मेरे हिसाब से निरंतर सुख की संभावना है जो निरंतर सुख क्या है उसकी सही समझ मिल जाए तो। हाँ ठीक है, समझ से हो जाएगा। तो देखिए, देखिए क्या है, आज तक मानव ने जो इच्छा किया है वो पूरी हुई है कि नहीं हुई है? मैं मैथमेटिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ इसलिए मैथमेटिकली इसको प्रूव करता हूँ। आज तक जितनी मेरी इच्छा हुई है, मेरी मतलब मानव समाज की, मेरी मतलब एक अपने पे इंडिविजुअल मत लीजिएगा, तो आज तक मानव समाज की जो इच्छा रही है पूरी हुई है कि नहीं हुई है? भाई मानव पंखा चाहता था, मिल गया। कूलर चाहता था, मिल गया। एसी चाहता था, मिल गया। हवाई जहाज में उड़ना चाहता था, मिल गया। दूर दूर बात करना चाहता था, मिल गया। यहीं बैठे हुए अमेरिका बात कर सकते हैं आप, अमेरिका में क्या हो रहा है यहीं बैठे बैठे देख सकते हैं। तो आज तक मानव की जितनी भी इच्छाएं थी वो पूरी हुई है कि नहीं हुई है? हाँ जी, हुई है कि नहीं हुई है? हुई है। अगर और भी कुछ इच्छा हो रही है सुविधा के मामले में तो पूरी होने की संभावना है कि नहीं है? है। पहली, पहला चीज। दूसरा, मानव निरंतर सुख चाहता है, ये मानव के अंदर नेचुरल चाह है कि अननेचुरल है? नेचुरल है। मानव निरंतर सुख चाहता है, ये मानव के अंदर की नेचुरल चाह है या अननेचुरल? नेचुरल। तो अगर मानव की अब तक की ये भी इच्छा है, तो मानव की अगर अब तक की इच्छाएं सुविधा के अर्थ में पूरी होती गई हैं और एक नेचुरल चाह है निरंतर सुख की, तो क्या ऐसा नियम है कि पूरी नहीं होगी? मेरी जितनी गलत इच्छाएं थी सब पूरी हो गई, तो सही इच्छा क्यों नहीं पूरी होगी? तो क्या प्रकृति में गलत इच्छा पूरी होने का नियम है, सही इच्छा पूरी होने का नियम नहीं है? नहीं है। हमारा ध्यान ही उधर नहीं गया, हमने उधर समझने की कोशिश नहीं किया। तो मेरी जितनी इच्छाएं थी मानव समाज की वो पूरी ही होती गई हैं, इसलिए संभावना बनती है कि मेरी जो ये इच्छा है निरंतर सुख की, ये भी पूरी होगी ही होगी। अभी इसका प्रस्ताव ही मेरे पास नहीं आया। सुख कोई चीज होती है, सुखी हुआ जा सकता है, मुझे निरंतर सुख चाहिए ऐसा मेरा ध्यान ही नहीं गया है, मेरा प्रस्ताव ही नहीं आया है। प्रस्ताव आया भी है तो उसमें हम कहीं समझ में आगे नहीं बढ़े हैं, कहीं जाके हम रुक गए, फिर सुविधा में ही लग गए, फिर आहार निद्रा भय प्रजनन में ही लग गए, फिर रूप पद धन बल में ही लग गए। एक्चुअली हम उसकी कंटिन्यूटी को बना के नहीं रख पाए, इसलिए मिला नहीं है। लेकिन मिलेगा नहीं ऐसा नहीं है, जब सारी गलत इच्छा आज तक पूरी हुई। गलत इच्छाएं, एटम बम सही इच्छा की गली है, गलत इच्छा है? एटम बम गलत इच्छा की सही इच्छा है? गलत इच्छा है, वो बर्बाद करती है। वो पूरी हो गई, हम बम बना लिए, और ये सही इच्छा है।
तो प्रकृति का जो डिजाइन है उससे क्या लगता है कि मानव की हर इच्छा पूरी होगी। तो अगर मानव की ये इच्छा है कि मानव निरंतर सुखी होना चाहता है तो ये इच्छा भी मानव की पूरी ही होगी, ऐसी संभावना लगती है। कैसा, बढ़िया? तो कुल मिला के कहां आकर के टिके हम लोग कि मानव निरंतर सुख चाहता है, एक पल एक क्षण भी वो दुखी होना नहीं चाहता। उसने क्या किया है, सुविधा में सुख ढूंढने की कोशिश किया है। उसको सुख निरंतर चाहिए और कोई भी सुविधा निरंतर नहीं चाहिए, इसीलिए उसको सुविधा से निरंतर सुखी होने की संभावना नहीं दिखती है। तो जहां संभावना दिखेगी वहां आगे काम करते रहेंगे। बताइए। अब अगला प्रश्न आपके अंदर क्या बनेगा, अगला प्रश्न आपके अंदर क्या बनेगा, क्या बनना चाहिए? बताइए, सुख क्या है? हाँ, पहले तो एक ये स्पष्ट हो, सुख क्या है? अभी तो हमको चाहिए, हमको चाहिए, हमको चाहिए, ये हमने बताया। अब अगला प्रश्न बनेगा, सुख क्या है? टाइम है भैया? नयन भाई, टाइम है? हो गया? अच्छा, तभी तो भोजन में सुख है, मोमेंट्री सुख। तो चलिए, भोजन करते हुए आप इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश करिएगा, सुख क्या है, व्हाट इज हैप्पीनेस। हाँ, सूचनाएं ले लीजिए, 3 बजे आएंगे ना।